स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस चैनल के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खंड आज आप लोगों के बीच में है जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म निश्चित रूप में हमारा यह आपसे वादा है कि आप लोग इस क्लास को मन की गहराई से स्वीकार करें और इसमें पूरी तरीके से आज डूब जाना है बौद्ध धर्म में, यानी व्यापक रूप से मजा आने वाला है इस क्लास में आज तैयार हो जाइए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज क्लास आज की क्लास में सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग तो चलिए महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के इतिहास का अध्ययन करते हैं लेकिन उससे पूर्व हम लोग अनएकेडमी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानते हैं क्योंकि वो आपके लिए भी बेहद उपयोगी है तो यहाँ पे जो देश के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटरों की टीम है उनका मार्गदर्शन आप लोगों को निरंतर मिल रहा है मैं भी इसमें निरंतर बना रहूँगा आप लोगों को मार्गदर्शन हमारा मिलता रहेगा इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि तेरह तारीख को सिविल सर्विस से संबंधित एक टेस्ट है अनएकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का टेस्ट है इसमें आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए आपको जो सिविल सेवक हैं उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा जो विख्यात सिविल सेवक हैं इसके अलावा आप लोगों के बीच में अन एकेडमी ने जो कम्बो पैक दिया था उसको रिवाइज किया है और इसकी तारीख बढ़ा दी है और 16 जून इसकी अंतिम तारीख है सोलह जून ये ऑफर सोलह जून तक वैलड है इसमें क्या विशेषताएं हैं इस ऑफर की इस सबक्रिप्स की इसकी जानकारी आपको देता हूं यहां पे हमेशा आप लोगों को सबक्रिप्शन लेते समय एस ए एन जे डबल ई बी ये हमारा रेफरल कोड है इसका आप लोगों को मेंशन करना है तभी इसका फायदा प्रॉपर आपको मिलेगा यही है आपके सामने पैक ऑफर अब इस कम्बो पैक की खास बात क्या है इसको देखिए इसमें आपको पैंतीस की छूट मिल रही है इसमें आपको 35 प्रतिशत की छूट मिल रही है 25 प्रतिशत की सब्जेक्ट वाले पेपर में छूट मिल रही है 10 प्रतिशत हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे इधर से छूट मिल रही है आपको एक तरीके से जो सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी में इसकी कंप्लीट वन ईयर की पहले जो फीस थी वो सेवनटी सेवन थाउजेंड थी अब ये पैंतीस प्रतिशत इसमें छूट आपको मिली है अब सत्तावन हजार पाँच सौ है इसी तरीके से दो ईयर की तिरासी हज़ार सौ रुपए है और तीन ईयर की एक लाख दस हज़ार रुपए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, वैसे फीस कम होगी उसके अलावा आइकॉनिक सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल पेपर की जो फीस है वन ईयर की वो छिहत्तर हज़ार रुपए टू ईयर की और ज़्यादा है उसके बाद में तीन साल का भी यहाँ पे अब इसकी खास बात यह है कि इसमें से कोई भी कोर्सेज आप इस समय अगर सब्सक्रिप्स के रूप में लेते हैं तो जब तक ये 2022 का मुख्य परीक्षा का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपका वैलड है ध्यान रखिएगा अगर दो ईयर का लेते हैं तो 2023 का इसका मतलब एक साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो कम से कम तीन चार महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है अगर किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है ये निश्चित रूप से ये सब्सक्रिप्शन का समय भी है जून का महीना है तुरंत आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा कोई भी दिक्कत होगी तो उस समस्या का निराकरण मेरी तरफ से भी किया जाएगा आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आ, लोन का भी प्रोसेस है बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के इस लोन को आप लोग ले सकते हैं ये लिंक है यहाँ पे इस लिंक के माध्यम से यहाँ पे इसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं और ये लोन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आइकॉनिक और और प्लस कोर्स दो कोर्स है ये जो प्लस कोर्स है ये है आपको यहाँ पे छः महीने बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है इसमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन या एडमिशन लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग कीजिएगा एस ए एन जे डबल -E ई -E बी इसको अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे फीस में जो भी है इसमें दस प्रतिशत की छूट आप लोगों को मिलेगी इसके अलावा यहाँ पे जो आइकोनिक कोर्स है आइकोनिक कोर्स 12 महीने 24 महीने 36 महीने के रूप में है यहाँ पे भी हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई वी का मेंशन करना है ऐसा करने पे जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी फीस में आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा आगे की बात आपको बताता हूँ आगे यहाँ पे कल से मतलब नौ जून से कई प्रकार के बैचे स्टार्ट हुए हैं कम्प्लीट वन ईयर का बैच है कम्पलीट टू ईयर का बैच है एक ही दिन हुआ है बैच स्टार्ट हुए इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं

इसी के माध्यम से यहां पे एनरोलमेंट करवाइएगा तो तैयार हो जाइए शुरुआत है आपके सामने महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के इतिहास का अध्ययन करेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे ठीक महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग शुरुआत करते हैं ठीक तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का हम लोग अध्ययन करेंगे और ये जो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्मों का उदय और विकास होता है ये प्राचीन भारत में है यानी इतिहास के प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण खंड है तो ये जो भारत आपके सामने है आप समझिए कि ये प्राचीन भारत है और प्राचीन भारत में यहां पे आप लोग देखिए ध्यान से कि ये जो क्षेत्र मान के चलिए आप लोग ये गंगा घाटी का क्षेत्र मान के चलिए ये यमुना घाटी का क्षेत्र मान के चलिए अब इस नदी घाटी में प्राचीन भारत में 600 सौ शताब्दी बीसी में छठवीं सेंचुरी बीसी में करीब करीब आप लोग ये मान के चलिए कि करीब करीब 300 धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ था एक दो नहीं तीन सौ संप्रदायों का जन्म हुआ था ध्यान दीजिएगा आप लोग करीब करीब तीन सौ धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ था लेकिन इन तीन सौ धार्मिक संप्रदायों में से तीन सौ फेमस नहीं हुए यानी तीन सौ प्रसिद्ध नहीं हुए केवल दो धार्मिक संप्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध हुए और इसमें से एक धार्मिक संप्रदाय का नाम है बौद्ध धर्म और दूसरे धार्मिक संप्रदाय का नाम है जैन धर्म दूसरे धार्मिक संप्रदाय का नाम है जैन धर्म और इन्हीं दोनों धर्मों का इतिहास हमें सिक्स सेंचुरी बीसी के इतिहास में पढ़ना है बौद्ध धर्म के जो पुरोधा हैं जो जन्म देने वाले हैं वो महात्मा बुद्ध हैं और जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता स्वीकार की जाती है लेकिन इसमें चौबीस तीर्थंकरों में से दो तीर्थंकर अत्यंत प्रसिद्ध हुए तेईसवें और चौबीसवें यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी यानी दो तीर्थंकरों का ही इतिहास हम लोग जैन धर्म में पढ़ते हैं तो ये जो प्राचीन भारत में दो धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ तो ये तो भारत में हुआ ये तो क्या हुआ ये तो भारत में ऐसा हो रहा है लेकिन जो आपका विश्व है अगर विश्व में आप देखेंगे तो जैसे ये आपका दक्षिण अमेरिका है दक्षिण अमेरिका में ये आपको क्या मिला ये आपको यहाँ पे भारत मिला और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसके ऊपर समझिए ये चाइना है यहां पे आप समझिए कि ये यूरोप है तो इस समय विश्व में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ जैसे भारत में ये जो भारत है यहां पे आप लोगों ने अभी देखा कि बुद्धिज्म का उदय हुआ यानी बौद्ध धर्म का उदय हुआ ठीक और प्लस जैन धर्म का उदय हुआ तो ये तो भारत में ऐसा हुआ लेकिन ध्यान रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चूंकि जो धर्म है वो कला एवं संस्कृति का विषय है तो मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कला एवं संस्कृति का जो इतिहास है वह मुख्य परीक्षा के यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है और कला एवं संस्कृति में ही आपका धर्म भी आता है रिलीजन भी आता है तो इस समय ये जो चाइना आपको दिख रहा है यानी जो चीन आपको दिख रहा है यहां भी एक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था और ये जो यूरोप आपको दिख रहा है यूरोप में यूनान जो आपको दिख रहा है यहां भी एक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था और ये जो मध्य एशिया है आपका मध्य एशिया में ईरान है ईरान में भी एक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था जैसे यूनान में पाइथागोरस है तो ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही ये धार्मिक गतिविधि हो रही है विश्व के परिदृश्य में भी धार्मिक गतिविधि हो रही है चाइना में भी हो रही है ईरान में भी हो रही है और यूनान में भी हो रही है ये छठवीं, सातवीं शताब्दी बीसी का ही समय काल है तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अलावा अब जैसे हम लोग भारत की बात आती है तो भारत में जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ सबसे पहले हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे आखिर भारत में जो बुद्धिज्म का और जैनिज्म का उदय हुआ इसके रीजन क्या हैं क्यों इन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ इनके उदय का कारण क्या है सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे तो समझिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा ये जो प्राचीन भारत में नवीन आंदोलनों का उद्भव हुआ इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। और पहला कारण क्या है पहला कारण है वैदिक कर्मकांडों की कठोरता जो वैदिक कर्मकांड है वह अत्यंत कठोर है कठोर का मतलब क्या है भाई देखो वैदिक कर्मकांड का मतलब जो यज्ञीय विधि विधान है क्या है जो यज्ञीय विधि विधान है उसके बारे में कहा जा रहा है विधि विधान यह अत्यंत कठोर है किस मामले में कठोर है इस मामले में भी कठोर है कि जो यज्ञीय विधि विधान होता है इसको एक तरीके से जिस भाषा में संपन्न करवाया जाता है इस भाषा का नाम है संस्कृत और यह भाषा कोई सामान्य भाषा नहीं है यह भाषा केवल आर्य ही समझते हैं यानी श्रेष्ठ लोग ही समझते हैं यह है जो आम जनमानस है उसकी पहुंच से बाहर है तो आम जनमानस कहीं ना कहीं वैदिक धर्म और कर्मकांड से दूर है बिल्कुल उससे अलग है अब इस समय कोई रिलीजन कोई संप्रदाय अगर आएगा और वो कोई सरल भाषा लाएगा जैसे यह संस्कृत भाषा है और इस समय महात्मा बुद्ध जब आए और इस समय जब महावीर स्वामी साहब आए तो इन लोगों ने एक आसान भाषा लाई और इस भाषा को हम लोग पाली भाषा के नाम से जानते हैं बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं और इस भाषा में अपने उपदेश दिए तो वैदिक धर्म और कर्मकांड की तरफ से लोग विमुख हो गए और महात्मा बुद्ध की तरफ महावीर स्वामी की तरफ लोग दौड़े चले आए दूसरी बात ये जो वैदिक धर्म और कर्मकांड है इसमें यज्ञीय विधि विधान जो है इसमें खर्चा बर्चा भी खूब करना पड़ता था आज भी जो यज्ञीय विधि विधान है इसमें रुपया खूब खर्चा होता है और रुपया किसके पास है श्रेष्ठ लोगों के पास है जो उच्च लोग हैं उनके पास है जो निम्न लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनके पास रुपया है ही नहीं चूंकि उन्हें ऑलरेडी गरीब कहा जा रहा है तो यानी जो आम लोग हैं ये उनकी पहुंच से बाहर है जब उनकी पहुंच से बाहर है और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आएंगे कहेंगे नहीं नहीं बुद्धिज्म में कोई कर्मकांड ही नहीं है बुद्धिज्म में तो मैं आपको एक तरीके से क्या करूंगा, मैं करूंगा कि आप लोग अपने खेतों में गहरी जुताई कीजिए और जुताई करके वहां पे फसलों का उत्पादन कीजिए अस्से उत्पादन कीजिए ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी करेंगे तो आम जनता किसकी तरफ जाएगी वैदिक धर्म और कर्मकांड की तरफ महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की तरफ तो निश्चित रूप से बुद्ध और स्वामी की तरफ जाएगी तो ऐसे में एक नए धर्म को सपोर्ट जब आम जनता कर देगी तो यह धर्म आगे निकल जाएगा दूसरा क्या है लोहे का आविष्कार ये जो छठवीं शताब्दी बीसी का समय है आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं मगध महाजनपद मगध महा जनपद में आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की खान थी और एक महाजनपद और था जिसमें लोहे की खान थी और इसका नाम था अवंती ये मगध और अवंती इन दोनों महाजनपदों में क्या थी लोहे की खान थी अब इस लोहे ने कैसे बढ़ावा दिया बुद्धिज्म को और जैनिज्म को तो जब लोहा मिला और लोहा आम जनता को मिला उसने हाल बनाया उससे अपने खेतों में गहरी जुताई की जब गहरी जुताई की तो जो मिट्टी है वो काफी फर्टिलाइजर हुई जब फर्टिलाइजर हुई तो उनके खेतों में अनाज के उत्पादन की मात्रा बढ़ गई अब लोग खाने में भी खुश रहने लगे उनको खाने का अनाज मिलने लगा इसके अलावा अब उसको वो बेचने भी लगे अब अधिशेष भी उत्पादन होने लगा और यह छूट किसने दी यह महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म ने दी वैदिक धर्म और कर्मकांड ने नहीं दी इसके अलावा और देखिए और क्या होता है और भी देखिए इसको आप कहा जा रहा है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध तो जैसे आप लोगों ने देखा कि चार वर्ण थे चार वर्ण थे और इन चार वर्णों में से सबसे जो श्रेष्ठ था वो ब्राह्मण था उसके बाद में क्या था उसके बाद में क्षत्रिय था वैदिक युग में यही आपने पढ़ा है उसके बाद में क्या था उसके बाद में वैश्य था और बैसे के बाद में क्या था वैश्य के बाद में सूद्र था वैश्य के बाद में सूद्र था और सूद्र इन तीनों वर्णों की क्या करता था सेवा करता था सेवक था सूद्र तो जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध आए तो ये महावीर स्वामी यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे ये क्षत्रिय थे ये क्या थे ये क्षत्रिय थे बाहुबली लोग थे और ये जो ब्राह्मण लोग थे ये क्या पूजा पाठ जब तप में विश्वास करते थे कर्मकांड में विश्वास करते थे और ये ब्राह्मण थे श्रेष्ठ वर्ग के रूप में थे अब इन छत्रियों ने इन ब्राह्मणों के ऊपर क्या किया इन ब्राह्मणों के ऊपर एक तरीके से अटैक किया और इसमें ये सफल भी रहे तो अब क्या हुआ अब छठवीं शताब्दी बीसी में पहली श्रेणी पर कौन आ जाएगा पहली श्रेणी पर ये क्षत्रिय आ जाएंगे और इसके बाद ब्राह्मण आ जाएंगे फिर शूद्र फिर वैश्य और फिर शूद्र आ जाएंगे क्योंकि तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध क्या थे क्षत्रिय थे अब क्या होगा कि ब्राह्मणों से जो अलग क्षत्रिय लोग हैं वो सपोर्ट कर देंगे तो इन छत्रियों को छत्रियों का सपोर्ट मिल गया समझिए ध्यान से इन छत्रियों को छत्रियों का सपोर्ट ऑलरेडी मिल गया और बसे लोगों का सपोर्ट मिल गया बैसे लोगों का सपोर्ट इसलिए मिल गया चूंकि ये व्यापार की बात करते हैं ये वाणिज्य की बात करते हैं जबकि ब्राह्मण पूजा पाठ जब तक की बात करता है और इनसे भी ये क्षत्रिय लोग शूद्र से कहेंगे कि देखो भाई अपने खेतों में आप जुताई वगैरह कीजिए और फसलों का उत्पादन कीजिए अधिशेष मात्रा में आपके खेतों में फसल होगी तो खाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी तो बैसे का सपोर्ट मिला और इन शूद्रों का भी सपोर्ट मिल गया तो आप देखिए इन छत्रियों को अब बहसियों का सपोर्ट मिल गया सूद्रों का सपोर्ट मिल गया और ये लोग इंतजार ही कर रहे थे तो भाई तीन वर्ग आ गया और ब्राह्मण बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है तो जब तीन वर्गों का सपोर्ट मिल जाएगा तो सबसे बड़ा वर्ग कौन हो जाएगा क्षत्रिय हो जाएगा इस समय तो सब लोग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरफ दौड़े चले गए यह अभी बुद्धिज्म के उत्कर्ष या जैनिज्म के उत्कर्ष का एक कारण है और एक कारण के रूप में है आपके सामने इसको आप लोग देखिए महात्मा बुद्ध का सरल व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वह अत्यंत क्या था अत्यंत उदार था ये अत्यंत उदार प्रकृति के थे महावीर स्वामी अत्यंत उदार प्रकृति के थे आम लोगों से बड़ी आसानी से मिल लेते थे बातचीत कर लेते थे उनकी समस्या का समाधान भी करते थे लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है वो क्या करता था वो बैसियों को और सूत्रों को बड़ा अपने से दूर रखता था छत्रियों को भी दूर रखता था तमाम सारी पाबंदियां थी तो लोग महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए जब प्रभावित हुए तो महात्मा बुद्ध को सपोर्ट कर दिया और एक भाषा का प्रभाव इन लोगों ने आम भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने संस्कृत भाषा की बजाय आम भाषा का प्रयोग किया और आम भाषा में इन्होंने उपदेश दिया जैसे इन लोगों ने मगधी भाषा में अपना उपदेश दिया मगधी भाषा में और पाली भाषा में अपना उपदेश दिया और यह भाषा आम लोगों की समझ में आ गई कुछ भी बोलते थे तो लोग समझते थे जब लोग समझते थे तो लोगों ने क्या किया लोगों ने अपना सपोर्ट कर दिया जब सपोर्ट कर दिया तो छठवीं शताब्दी बीसी में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास कर दिया अब सबसे पहले पे आते हैं और देखते हैं महात्मा बुद्ध को तो कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं इनको आप लोग ध्यान रखना कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं करीब करीब हमने संकलन किया है इसमें आ, पचास तथ्यों का ये बहुत महत्वपूर्ण है तो महात्मा बुद्ध जो थे इनका जो जन्म है उस पर विवाद है लेकिन जो विवाद की सबसे विवाद से हट के जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है इनके जन्म की वो है 563 ईसा पूर्व तो इनका जन्म क्या कब हुआ था पांच ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का इनकी राशि का नाम क्या था इनकी राशि का नाम गौतम था इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि इनको आ, इनको गौतम कहा जाता है जैसे आपकी भी राशि का नाम एक होगा जब आप अपने माता मही पिता मही से पूछेंगे तो एक जन्म का रजिस्टर होता है उसमें समय तिथि किस नक्षत्र में आप लोग उत्पन्न हुए हम लोग उत्पन्न हुए वो सब लिखा रहता है और इनकी राशि क्या थी इनकी राशि ब्रस्त थी इस जो महात्मा बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम क्या था तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था क्या था इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ जैसे आप लोगों के बचपन का नाम भी कुछ ना कुछ होगा हमारे भी बचपन का नाम कुछ ना कुछ है लेकिन बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारा नाम बचपन का उतना अच्छा नहीं है आप लोगों का अच्छा होगा वो बड़ा ठेठ भाषा में है बड़ा देसी भाषा में तो महात्मा बुद्ध कई नामों से चलते थे हमारे यहां परंपरा रही है कि जो व्यक्ति हुए हैं जो आदि पुरुष हुए हैं जो हमारी सभ्यता थी संधो सभ्यता वो भी कई नामों से चलती थी संधो सभ्यता उसका नाम है युगीन सभ्यता उसका नाम है सिंधु सरस्वती की सभ्यता उसका नाम है हड़प्पा की सभ्यता उसका नाम है। तो हमारे यहाँ काल से ही परंपरा रही है चाहे वो सभ्यता हो चाहे वो व्यक्ति हो वो कई नामों से चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है सिद्धार्थ है ध्यान रखिएगा इस बात का इनके पिता का नाम क्या है शुद्धोधन है और ये कपिल वस्तु जो गणराज्य है इस समय नेपाल की तराई में इसके राजा हैं यानी एक राजा के घर में घर में महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है कोई सामान्य घर में नहीं हो रहा है एक राजा के घर में इनका जन्म हो रहा है इसके अलावा इनकी माता का नाम क्या है इनकी माता का नाम है महामाया एक बार पूछा कि ए, जो महामाया थी ये किस गणराज्य की थी तो ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी ये जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी इनका नाम क्या था इनका नाम था यशोधरा महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी इनका नाम था यशोधरा कितना प्यारा नाम है और ये किस गणराज्य की थी ये भी साठ्य गणराज्य की ही थी और यहीं पे आपको मैं बता देता हूं ये तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है लेकिन जो महावीर स्वामी साहब हैं उनका नाम भी महात्मा बुद्ध की पत्नी से मिलता जुलता है जल्दी से बताइए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है कौन सबसे पहले बताएगा भाई मिस्टर मिस्टर मधु चौधरी क्या नाम है बेटा जल्दी से बताओ अनामिका त्यागी आप बताओ क्या है हाँ कृषि साहब ने बताया क्या नाम है यशोदा यशोदा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम तो क्या था यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा यशोदा है कितनी नजदीकियां हैं देखिए आप इसलिए हमने बता दिया कि आप लोग भूल जाते हैं कई बार तो भूलिएगा मत इसको ठीक है ना इसको भूलना नहीं है आप लोगों को रिपीट कीजिए जल्दी से याद कीजिए इसको जल्दी से ऊपर से नीचे तक रिवीजन एक बार कर लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया वह इनकी मौसी ने किया और इनकी आंटी ने किया मौसी मतलब आंटी होता है और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी इन्होंने पालन पोषण किया महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रह का त्याग दिया था जैसे आप लोग कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानी मतलब होता है डॉग कुत्ता देखो कुत्ता जैसे सोता रहता है हल्का सा कहीं से सुख बुगाट हुई वो जग गया अल्पहारी कम खाना चाहिए विद्यार्थी को ग्रह त्यागी भी होना चाहिए ऐसा भी कहा गया है अल्पाहारी ग्रह त्यागी पंच पंचलक्षणम तो महात्मा बुद्ध ने अपना होम रिनाउंस किया था महात्मा बुद्ध ने भी अपना ग्रह त्यागा था तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस वर्ष में उन्तीस वर्ष की अवस्था में उनतीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई देखो महात्मा बुद्ध उन्तीसवें वर्ष की अवस्था में ज्ञान यहां पे ग्रह को त्यागा और पैंतीस वर्ष आप लोग देखो कि महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को छ वर्ष लगे थे महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को सत्य की प्राप्ति में छह वर्ष लगा था तपस्या की थी इन्होंने आप लोग भी तपस्या कर रहे हो तीन चार साल तो बड़े आराम से आपको भी लगेगा तीन साल तो लगता ही है चाहे कोई भी क्यों ना हो कई बार तो ऐसा होता है एक आध बार ये भी देखने को आया कि परीक्षा ही नहीं हुई और मान लो किसी बार हो सकता है एक नंबर से प्रारंभिक परीक्षा में आपका नहीं हुआ तो दो साल तो बड़े आराम से ही हो गया इसके अलावा इन्होंने अपना प्रचार किया था बौद्ध धर्म का भारत में कुल कितने वर्ष प्रचार और प्रसार किया था पैंतालीस वर्ष प्रचार और प्रसार किया था बुद्धिज्म का भारत में इसके अलावा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति इनको निरंजना नदी के तट पर हुई थी बोध गया में ये बिहार का एक जिला है वर्तमान में इनके उपदेश की जो भाषा थी उसका नाम है पाली और मगधी इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपना जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया वह मगधी भाषा में दिया इनका पहला उपदेश कहां था इनका देखो ध्यान से देखना इस बात को आप लोग इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था और ऋषिपत्तनम के कई नाम है ऋषिपत्तनम का ही नाम है वाराणसी ऋषिपत्तनम का ही नाम है मृगदाव ये देखिए और ऋषिपत्तनम का ही नाम है सारनाथ सारनाथ वाराणसी मृगदाव या आपका ऋषिपतनम ये एक ही है ध्यान में रखना इसके कई नाम हैं आपके सामने इसके कई नाम हैं इसको ध्यान रखना यह पूछा भी जाता है और प्रथम वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया था प्रथम वर्षावास इन्होंने अपना सारनाथ में ही बताया था इसका मतलब क्या है भाई वर्षावास का क्या मतलब है वर्षावास का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैसे मान लो वर्तमान का समय इसके पूर्व मई या अप्रैल में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई ज्ञान की प्राप्ति मतलब आई बन गए आई बनने के बाद में पहली बार इन्होंने जो ज्वाइनिंग की वो सारनाथ में की वहीं पे अपना पहला सरमन डिलीवर्ड किया पहला उपदेश डिलीवर्ड किया और पहला वर्षावास भी वहीं पे यानी जो मानसून आता है जो वर्षा ऋतु आती है यह है पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर मिली थी ये वर्षा ऋतु इस सारनाथ में और यहीं पे पहला वर्षावास यानी वर्षा वास, का समय बिताया तो कहा सारनाथ इसको भी ध्यान रखिएगा ये पूछता है खूब आपसे इसीलिए पूछता है इसीलिए हमने इसका संकलन किया है तो सीरियसली पढ़िएगा इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बहुत ही उपयोगी है और पहला वर्षावास तो सारनाथ हो गया लेकिन अंतिम वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहा बिताया था तो ये देखिए अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया था महात्मा बुद्ध का जो चैरिटियर नेम है यानी जो सारथी का नाम है जो महात्मा बुद्ध का रथ चलाता था जैसे अर्जुन के सारथी थे कन्हैया तो वो तो भाई साक्षात भगवान थे और महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था तो ध्यान रखिएगा चाण महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंथक महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम चाण था महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम क्या था इनका नाम था अलार कलाम ध्यान रखना ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है सांख्य दर्शन खड दर्शन में आप लोग एक दर्शन पढ़ते होंगे जिसका नाम था सांख्य दर्शन और इसके प्रवर्तक आप लोग देखेंगे तो कपिल मुनि थे कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे अब महात्मा बुद्ध की उपाधि देखिए महात्मा बुद्ध जब आयुष बन गए तो आयुष बन जाने के बाद में लोग आपको कई नामों से पुकारते हैं क्योंकि आप अपने को सिद्ध कर देते हैं आप ज्ञानी पुरुष हैं आपने मेहनत किया है आपने ईमानदारी से मेहनत किया भले ही आपने मेहनत ना की हो घूमते घूमते भी कई लोगों का कई मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि घूमते घूमते जूस पीते हुए मुखर्जी नगर में आई हो गया लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि वो दिन में घूम रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं करते रात में जम के पढ़ाई करते हैं वो भले ही रात में उनको खाना ना मिले लेकिन वो पढ़ाई बिना किए उनको नींद नहीं आती थी ऐसे भी लोग हमने देखे हैं तो इसीलिए कई बार ये मैं कहता हूं कि जो पढ़ाई है जो आई बनने का है उसका कोई एक रास्ता नहीं है उसका कोई एक ध्यय नहीं है विभिन्न रास्तों से जाके आप आई बन सकते हैं उसका कोई एक मानक नहीं है हाँ लेकिन एक मानक में सबसे जो बड़ा मानक है वो ईमानदारी से पढ़िए जब भी पढ़िए रात में पढ़िए दिन में पढ़िए लेकिन पढ़िए और थोड़ा नेचुरल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके अलावा महात्मा बुद्ध को जैसे साक्य मुनि के नाम से जाना गया तथागत के नाम से जाना गया ये ध्यान रखिएगा एशिया का ज्योतिर्पुंज इन्हें कहा जाता है महात्मा बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है ज्योतिर्पुंज कहा जाता है इन्हीं महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध का विवाह भी हुआ था ये से और यशोधरा से इनको एक प्रिय पुत्र जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल जैसे होता क्या है कि आप लोग भी हम लोग भी आयुस की प्रिपरेशन करते हैं तो मन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा बलवती रहती है कि भाई आयस बन जाएंगे तो शादी विवाह करेंगे ये स्वाभाविक सी बात है और शादी विवाह होगा तो हो सकता है बच्ची हो या बच्चा हो तो बच्ची होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे प्रियंका रखेंगे क्यों ऐसा सोचते हैं लोग क्योंकि तो पॉपुलर नाम है और बच्चा होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे राहुल तो महात्मा बुद्ध को भी जब बच्चा हुआ या पुत्र हुआ तो इसका नाम क्या रखा था राहुल रखा था शायद महात्मा बुद्ध ने पहले से ही सोच लिया था ऐसा है क्या आप लोगों में से कोई अंतरयामी है जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के बारे में बता सके कोई है अंतर्यामी हुँ? है कोई कोई नहीं है कोई ना कोई तो होगा ही वैसे मैं हूं मैं कई बातें बता देता हूं तो अपना भविष्य जल्दी से, से मुझसे नहीं पीछे पूछेगा चूंकि एकदम सत्य निकल के आ जाएगा और कुछ चीजें तो मैं सत्य बिल्कुल बता देता हूं हस्तरेखा का मुझे ठीक ठाक ज्ञान है जो हस्तरेखा और ललाट रेखा है उसका मुझे ठीक ठाक ज्ञान और ये देख के मैं बता सकता हूं कि वर्तमान में आप कहां कहां गए हैं कहां कहां घूमे हैं शिमला घूम के आए हैं या ऋषिकेश घूम के आए हैं या वैष्णो देवी की यात्रा की मैं ये बता सकता हूं अन्य क्षेत्रों में गए होंगे तब भी बता सकता हूं हस्तरेखा को देख के तो महापरिनिर्वाण इनका महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ इनकी डेथ इनकी डेथ कब हुई थी चार सौ तिरासी में कहा हुई थी कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर में क्या था राज्य था ये कुशीनगर की ये मल्ल गणराज की उत्तरी राजधानी थी और दक्षिणी राजधानी देखिए मल्लगणराज की जो दक्षिणी राजधानी है उसका नाम है पावापुरी और सौभाग्य इस से मैं आपको बता रहा हूं कि मल्ल गणराज्य कि दोनों राजधानियों में एक का एक राजधानी में महात्मा बुद्ध का स्वर्गवास हुआ और दूसरी में पावापुरी में किसका हुआ महावीर स्वामी का हुआ तो इसको भी यहां पे लिख लीजिएगा महावीर स्वामी महावीर स्वामी इनको जो पर्ण निर्माण हुआ वह कहां हुआ ये पावापुरी में हुआ और महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में हुआ महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में हुआ ठीक इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा आप लोगों को कुछ कहानी सुनाते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रारंभिक कहानी जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का भी जब जन्म होता है या हम लोगों के आप लोगों के जब बच्चे का जन्म होगा तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये परंपरा है कि हम लोग एक पंडित को बुलाते हैं और पंडित ये क्या करता है ये पंडित यहाँ पे जो बच्चा होता है यहाँ पे जो बच्चा है इस बच्चे का क्या करता है इस बच्चे की ये पैर मान लीजिएगा ये फिंगर्स है ये स्टमक है ये हैंड है हैंड की ये फिंगर्स हैं ये बच्चा है देखिए किसका चित्र है आप लोगों में से किसी का मैच कर रहा है हो सकता है मैच कर रहा हो तो इसमें क्या है कि ये जो बच्चे की मस्तक की रेखाएं हैं और ये जो हस्त रेखाएं हैं ये पंडित क्या है इसको देखता है और देखने के बाद में इसके पूरे भविष्य की कहानी को बताता है कि भविष्य में यह बच्चा क्या करेगा तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन ये तो भैया राजा थे ये कपिल वस्तु गणराज्य के क्या थे ये राजा थे अब इन्होंने इस समय का जो सबसे प्रसिद्ध प्रकांड पंडित था प्रकांड पंडित था उसको बुलाया और उसका नाम था ऋषि कौंडिन्य क्या नाम था ऋषि कौंडिन्य ऋषि ने साहब को बुलाया ऋषि ने आ चुके हैं और महात्मा बुद्ध को बुलाया गया और महात्मा बुद्ध की इन्होंने हस्तरेखा को देखा और ललाट को देखा और इन हस्त रेखा और ललाट रेखा को देख के बताया इन्होंने ऋषि ऋषिकौंड ने, ने कि यह महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे जैसे जीपीएस था जीपीएस था चक्रवर्ती सम्राट जीपीएस का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग चक्रवर्ती सम्राट तो देखो आई एस का बेटा अगर आई बनता है तो ये बड़ी अच्छी बात होती सीएम का बेटा सीएम बने इससे और अच्छी बात क्या होगी पीएम का बेटा पीएम बने लेकिन पीएम का बेटा सन्यासी बने फिर पीएम को कैसा लगेगा निश्चित रूप से पीएम द्रवित अवस्था में होगा सीएम द्रवित अवस्था में होगा आयस उस समय द्रवित अवस्था में होगा तो महात्मा बुद्ध के पिता भी इस समय चिंतित रहने लगे शुद्धोधन भी कि भाई राजा बनते तो अच्छी बात हुई अच्छी बात होती हमारा नाम आगे बढ़ाते हमारा गुणगान होता हमारी गौरव गाथा बनी रहती लेकिन अब महात्मा बुद्ध के पिता चिंता करने लगे उधर महात्मा बुद्ध नामक बच्चे का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उस बच्चे का ध्यान किसकी तरफ था सन्यास की ही तरफ था वह हमेशा पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बिल्कुल अलग बैठा रहता था और अलग बैठ के वह कुछ सोचा विचारा करता था तो यानी कि होर होनहार बिरवान के होत चिकने पात बच्चा किस दिशा में जाएगा क्या करेगा यह प्रारंभ में ही दिखाई पड़ जाता है जैसे नेपोलियन को आप लोगों ने सुना होगा नेपोलियन जिसका जन्म इटली के कोर्सिका द्वीप पे हुआ था तो नेपोलियन फ्रांस का नागरिक कैसे बना क्योंकि कालांतर में फ्रांस ने कोर्सिका द्वीप को खरीद लिया था तो जब खरीद लिया था तो नेपोलियन फ्रांस का नागरिक बन गया नेपोलियन अपने बहनों और भाइयों में करीब चौदाह पंद्रह थे जो सबसे प्रसिद्ध नेपोलियन का भाई था उसका नाम था जोजब कालांतर में जो स्पेन का शासक बना था तो नेपोलियन भी समुद्र के किनारे बैठकर बालू के ढेरों से क्या बनाता रहता, था? बनाता रहता था अब यही है बच्चा किस दिशा में जाएगा वो प्रारंभ में ही उसकी लगन उसकी सोच उसका चिंतन यह बता देता है और कालांतर में जब नेपोलियन पेरिस का नागरिक बना तो पेरिस अकाडमी में उसने एडमिशन लिया और वहां से शिक्षा प्राप्त की और काफी कम समय में वो कैप्टन बन गया मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मैं केवल ये इशारा कर रहा हूं कि प्रारंभ से ही दिखता है कि हमें किस दिशा में जाना है जैसे 2005 का समय था हाँ पांच का रेखा मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक थी वो टॉपर थी यूपीएससी की और पहली बार भी उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया था तो उनके जो पिताजी हैं क्योंकि मैं लखनऊ के पास का ही हूं तो मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है उनके पिताजी से और उनके पिताजी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जोग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी थे तो मैंने जब उनके पिताजी से पूछा कि ये सब कैसे संभव हुआ कि पहली बार में तो उन्होंने कहा देखो बेटा जब इस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था ना तब से हमारी इच्छा थी कि हमारा बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हो और सेलेक्ट हो तो प्रॉपर रैंक उसको मिले अब आप सोचिए कि बच्चा गर्भ में आया है तब से उसको यूपीएससी यूपीएससी के बारे में बताया जा रहा है आप लोग क्या सोच रहे हैं तो जो जीन होती है उस पर बहुत असर पड़ता है भले ही बच्चा मां के पेट में ही क्यों ना हो उस पर ऊपर असर करता है जो मां सोचेगी जो उसका पिता सोचेगा वही उसके मन में आएगा और जब मां के गर्भ में है तब तो ज्यादा ही आएगा यही मैं कहना चाह रहा हूं तो उन्होंने कहा कि भाई बचपन से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी अब जरा सोचो आप बचपन से ही उनका पूरा और देखो वो खास बात ये थी कि वो यूपीएससी और स्टेट कमीशन में आएज एक्सपर्ट उनका नॉमिनेशन होता था कई बार इंटरव्यू भी उन्होंने लिया कई बार वो पेपर सेटर भी थे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है जामिया यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वाराणसी विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है यहाँ के जो प्रोफेसर हैं एक्सपर्ट के रूप में यूपीएससी में आते हैं इंटरव्यू में भी आते हैं हमारे हमारे इंटरव्यू में स्वयं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक मैडम थी बड़ा अच्छा उनका रुख था ऐसी बात नहीं थी और जम के इतिहास से ही उन्होंने प्रश्न पूछा था हमसे तो तो ऋषि कौंडे ने, ने यह बात बताई तो महात्मा बुद्ध के पिता सुदोधन ने देखा कि हाँ बच्चे का तो जो प्रारंभिक समय है वही एक तरीके से रहस्य बात की तरफ है सन्यास की तरफ है तो चिंतित हुए लेकिन महात्मा बुद्ध की जैसे जैसे उम्र बढ़ी महात्मा बुद्ध की जब उम्र बढ़ी तो महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन ने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया और कहा क्या किया जाए कि इस बच्चे का झुकाव इस संन्यास की तरफ से थोड़ा सा अलग हो राशि ठाट बाट को अपनाए तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ महल वगैरह ऐसा बना दिया जाए जहां पे भौतिकवादी चीजों को रखा जाए भौतिकवादी चीजों में इसका मन लगा रहेगा तो सन्यास के बारे में सोचेगा नहीं तो शुद्धोधन तो राजा थे एक मिनट में इशारा किया उधर महल तैयार लेकिन इस बच्चे का मन इसमें भी नहीं लगा तो फिर अपनी मंत्रिपरिषद को बुलाया तो मंत्र परिषद ने सलाह दी कि देखो बच्चा जवान हो चुका है शायद वैवाहिक क्रियाकलाप में इसको शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है संन्यास से इसका झुकाव कम हो सकता है तो महात्मा बुद्ध के पिता सुदोधन ने इस समय क्या किया कि जो अप्सराएं हैं जो सुंदरियां हैं जो कन्याएं हैं उनके दरबार में क्या किया जो बड़े बड़े राजाओं की कन्याएं हैं उनके दरबार में निमंत्रण भेजा कि आप हमारे पुत्र से ब्याह कर सकते हैं इसी समय की पुत्री का आमंत्रण भी को मिला और कालांतर में यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया जब विवाह हो गया तो कुछ दिन तक तो मामला ठीक ठाक था लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध का झुकाव संन्यास की तरफ हुआ तो फिर चिंतित अवस्था में आ गए शुद्धोधन चिंतित अवस्था में आगे तो फिर मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाया और बैठक की बुलाने के बाद में कहा कि भाई अब क्या हो सकता है महल वगैरह बनवा दिए महल में नौकर चाकर रख दिए नौकरानी रख दिया विवाह भी हो गया अब किया जाए तो क्या किया जाए तो मंत्रिपरिषद में से कुछ मंत्रियों ने सलाह दी हो सकता है कि यह सुधरा में ही कोई खामी हो कई बार पुरुष या महिला में भी कोई खामी होती है तो कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया हाँ हाँ हो सकता है यशोधरा में कोई खामी हो इसलिए यशोधरा में मन महात्मा बुद्ध का ना लगता हो तो महात्मा बुद्ध के पिता ने पूछा फिर क्या किया जाए तो लोगों ने सलाह दी कि महात्मा बुद्ध के आसपास में अप्सराओं के एक समूह को रखिए और वो अप्सराएं नाच गाने द्वारा महात्मा बुद्ध का मन बहलाएंगी तो महात्मा बुद्ध के पिता ने यह भी आदेश दे दिया तो जो देश की प्रसिद्ध अप्सराएं थी वह महात्मा बुद्ध के समीप आकर नाच गाने द्वारा महात्मा बुद्ध का मन बहलाने का काम करने लगी तो एक दिन की बात आपको बताता हूं एक दिन क्या हुआ कि यह जो महात्मा बुद्ध थे नाच गाना चल रहा था नाच गाना सब कुछ चल रहा था और महात्मा बुद्ध नाच गाना देखते देखते ये क्या गए ये सो गए इनको निद्रा आ गई इनको क्या आ गई इनको निद्रा आ गई तो जब महात्मा बुद्ध को निद्रा आ गई तो अब वो अपसराए वो डांसर किसको नृत्य दिखाएं अपना किसको डांस दिखाएं किसको गाना सुनाएं तो ये अपसराए भी एक एक करके धीरे धीरे सो गई जब अपसराएं सारी की सारी सो गई तो इसी समय अचानक महात्मा बुद्ध की यह जो निद्रा थी यह ओपन हो गई खुल गई इनकी नींद। जब खुल गई तो देखा कि ये जो अपसराए अभी कुछ देर पहले सुंदर लग रही थी अफसरा लग रही थी वो अब कुरूप लग रही हैं। क्यों क्योंकि कुछ अप्सराओं का काजल ऊपर से नीचे तक बह रहा है कुछ लोगों के कुछ की लिपस्टिक बह रही है कुछ अपसराएं तो नर्वस्त्र पड़ी हुई है ऐसी स्थिति में अफ्सरा कुरूप लगेगी ही महात्मा बुद्ध ने सोचा यार ये भी जो जीवन है ना ये भी असली जीवन नहीं जब असली जीवन नहीं है तो महात्मा बुद्ध इससे भी विमुख हो गए और अब महात्मा बुद्ध के जीवन में एक चार दृश्य हैं इसको आप लोग समझिए महात्मा बुद्ध एक तरीके से अब यहाँ पे आप लोग देखिए महात्मा बुद्ध ने अब क्या किया अपने सारथी को बुलाया अपने सारथी को और सारथी का नाम क्या था सारथी का नाम था चाण महात्मा बुद्ध का ये सारथी था और सारथी से कहा भैया बहुत दिन हो गया इस भौतिक भादी घर में कैद हुए अब हमें थोड़ा बाहर ले चलो अब बाहर के जीवन की थोड़ा सा कम से कम हवा तो लगे तो सारथी ने तुरंत महात्मा बुद्ध का कहा मान लिया और घर से निकाला रथ सजाया और घर से निकाला जब घर से निकाला तो महात्मा बुद्ध चल रहे थे चल रहे ले थे लेकिन अचानक एक वृद्ध व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने आ गया कैसा व्यक्ति आ गया वृद्ध व्यक्ति जिसकी काफी उम्र थी तो आप लोग देखते होंगे कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है यानी ओल्ड मैन जो ओल्ड मैन होता है वो क्या होता है भाई ओल्ड मैन कहीं ना कहीं काफी उम्र का होता है और उसको तमाम रोग लग जाते हैं कई प्रकार के रोग लग जाते हैं तो वो द्रवित अवस्था में रहता है उसको पेन भी होता है उसको दर्द भी होता है और जो वृद्ध मिला उसके साथ में ऐसी ही बात थी वो कराह रहा था दर्द के मारे महात्मा बुद्ध ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है जब हमारा जन्म होता है तब भी माता पिता इन सबको दर्द होता है और उसके बाद भी दर्द ही रहता है और जब आदमी वृद्ध होता है तब भी दर्द होता है ये तो जीवन बड़ा निर्दयी है महात्मा बुद्ध लौटाए कहे कि अब बाहर से अच्छा अपने घर में ही लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ दिन बाद अपने घर से फिर बाहर निकले और इसी सारथी को बुलाया और इस बार जब निकले तो महात्मा बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति मिल गया तो बीमार व्यक्ति और ज्यादा दर्द से करा रहा था तो महात्मा बुद्ध तुरंत आए कहा कि यह जीवन बड़ा खतरनाक है व्यक्ति को रोग भी लगते हैं इसके बाद में कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध फिर अपने घर से बाहर निकले और इस बार महात्मा बुद्ध को रास्ते में एक मृतक व्यक्ति मिल गया तो मृतक व्यक्ति मिल गया तो मृतक व्यक्ति यहां पे जब मिला तो भाई चार लोग उसके आगे पीछे थे उसके घर के लोग थे कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है तो जब अपने सारथी से पूछा तो सारथी ने बताया कि इस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है और इसके अपने लोग हैं जो दर्द से रो रहे हैं तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये जीवन तो और ज्यादा दर्दनाक है लौट चलो भैया घर की तरफ लौट चलो चले गए महात्मा बुद्ध फिर चले गए और जाने के बाद में फिर एक दिन महात्मा बुद्ध अपने घर से बाहर निकले और इस बार महात्मा बुद्ध को एक सन्यासी व्यक्ति मिला कैसा व्यक्ति मिला एक सन्यासी व्यक्ति मिला सन्यासी तो व्यक्ति अपना गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए दंड कमंडल लिए हुए चरण पादुका पहने हुए राम राम करते हुए चला जा रहा है राम राम करते हुए चला जा रहा है वो खुश है वह अद्भुत व्यक्ति है महात्मा बुद्ध ने समझा यही असली जीवन है देखो व्यक्ति कितना खुश है संतुष्ट है मजे में चला जा रहा है अपना अपने रो में किसी भी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे अब महात्मा बुद्ध को जब ये सन्यासी व्यक्ति मिला तो इसी सन्यासी व्यक्ति से सीख लेते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग के बारे में सोचा तो ये चार घटनाएं हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन में क्रम के रूप में है इसको याद कीजिए यहाँ पे एक कोड आपको बता रहा हूं बी बी बीबी -बी का मतलब बीबी -बी में समझिएगा यहाँ पे जो डबल बी है वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बी पह, बी में पहले बी का मतलब डब्लू से नहीं है समझ गए ना पहले बी का मतलब वृद्ध व्यक्ति से है और दूसरे का मतलब बीमार व्यक्ति से है तो बीबी -बी क्या होती है बीबी -बी, एम एस होती है एम एस क्या होती है मेडिकल में एक डिग्री होती है ना एक एम बी ए एक एम बी बी एस होती है एक एम एस होती है और भी कुछ होती होंगी तो यहाँ पे ये कोड है इसको सीरियल में आप लोग याद रखिएगा बीबीएमएस वृद्ध व्यक्ति बीमार व्यक्ति मृतक व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति यह महात्मा बुद्ध को क्रम से मिला है यूपीएससी में पूछा है ध्यान रखिएगा यह क्रम पूछा है इसीलिए बता रहा हूं इतनी देर ये क्रम पूछा हुआ है ठीक है क्या नाम है अखिलेश कौन सो गया तो महात्मा बुद्ध ने किसको देखा सन्यासी को देखा अब सन्यासी को यहां पे देखा तो महात्मा बुद्ध खुश हो गए यह समझिए कि महात्मा बुद्ध की प्रलिम्स की परीक्षा निकल गई अब जब प्रलम्स की परीक्षा निकल जाएगी आप लोगों की तो गुरु जी को पनीर वगैरह खिलाएंगे ना फिल्म वगैरह दिखाएंगे नहीं लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो ऐसा किया था महात्मा बुद्ध की जब प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट आ गया था पॉजिटिव अब महात्मा बुद्ध को यह पता चल गया यहां पे क्लियर हो गया कि इनको आईए बनना है कहते हैं कि जब ये पता हो जाए कि मुझे आई बनना है तो पचास प्रतिशत आपकी तैयारी हो जाती है। और पचास प्रतिशत जब आपकी तैयारी हो जाती है तो मैं मानता हूं कि प्रिलिम्स तो आपका निकल गया केवल समय की बात है अब समय आए आप परीक्षा दें बस तो जो प्रिलिम्स निकल गया तो महात्मा बुद्ध ने इस समय कुछ फिल्म वगैरह देखा होगा कुछ पनीर वगैरह खाई होगी समोसे वगैरह कुछ खाए होंगे कुछ घूमा टहला होगा चूंकि प्रारंभिक परीक्षा निकली है तो व्यक्ति खुश तो होगा या प्रसाद वगैरह कहीं चढ़ाया होगा ऐसे में जैसे व्यक्ति फिल्म वगैरह देखेगा घूमेगा टहलेगा तो निश्चित रूप से रात हो जाएगी क्योंकि खुशी का समय है तो रात हो गई तो महात्मा बुद्ध का भी इस दिन क्या हुआ जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया तो काफी रात हो गई घूमते घामते काफी रात हो गई जब काफी रात हो गई और बिल्कुल आधी रात में महात्मा बुद्ध अपने घर में लौटे तो ये महात्मा बुद्ध का घर है और महात्मा बुद्ध के घर का ये मुख्य कमरा है यहीं पे महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल यहीं पे महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल और महात्मा बुद्ध की पत्नी ये सुधरा रात्रि का समय था दोनों सो रहे थे महात्मा बुद्ध की पत्नी यह सुधरा कि गोद में राहुल बेटा था महात्मा बुद्ध यहां तक पहुंचे थे ये खड़े हुए हैं महात्मा बुद्ध यहां पे ये महात्मा बुद्ध यहां पे खड़े हुए हैं महात्मा बुद्ध ने देखा कि माता ये शोधरा की गोद में बेटा राहुल सो रहा है इस स्थिति को देखने के बाद में महात्मा बुद्ध का अंदर जाने का मन नहीं किया वह बाहर से ही लौट आए और बाहर से लौट आने के बाद में अपने सारथी चाण से कहा कि देखो भैया एक बार रथ वगैरह और सजाओ और हमें अब क्या करो हमें अब ग्राम से बाहर थोड़ा छोड़ दो अब हमारी सन्यास के प्रति पूरी तरीके से, तरीके से इच्छा जागृत हो गई है अब हम सन्यास की तरफ हमारा रुख हो गया है अब सन्यास की प्राप्ति का हम प्रयास करेंगे सत्य की प्राप्ति का हम प्रयास करेंगे तो सारथी ने कहा ठीक है भैया तो यहां पे एक प्रश्न बनता है कि आखिर भारतीय पुरुष चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो हालांकि उनके बीच में भी स्थिति बनी थी लेकिन कालांतर में सीता माता को अपने साथ लेके गए महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो ये जो भारतीय पुरुष हैं क्या इसी तरीके से अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं साथ क्यों नहीं देते तो महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को इस समय कुछ बताया बताया क्यों नहीं बिना बताए ही अपना ग्रह त्याग कर दिया उनतीस वर्ष की अवस्था में क्यों बताया क्यों नहीं कुछ बता देते उनकी पत्नी थी उनकी वाइफ थी क्यों नहीं बताया कोई बता सकता है अरे वही चन्ना वही चाण वही कहीं आपको कोई बता दिया होगा चन्ना लेकिन शुद्ध चाण है ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ा जाए मामला ठीक है ना बताइए भाई क्यों नहीं बताया कपिल क्यों नहीं बताया बालक क्यों नहीं बताया बताइए जल्दी से बताइए क्यों नहीं बताया बताइए क्यों नहीं बताया हम्म क्यों नहीं बताया इसलिए नहीं बताया क्या बता रहे हैं आप लोग इसलिए नहीं बताया आई मीन हां आई मीन कोई बोल रहा है आई I मीन mean, वो रोने लगती कितना कितना मार्मिक उत्तर दिया है क्या नाम है प्रिंस है कोई भी है आई I मीन mean, वो रोने लगती बिल्कुल सटीक तो बोला है और भावात्मक बोला है जो समझ में रियली आ जाए उसको बोल दीजिए यूपीएससी यही चाहता है नहीं समझ में आता मत बोलिए देखिए इसमें एक भाव निकल के आ रहा है वो रोने लगती सही तो है सही तो बताया हमारे युवराज ने क्यों निश्चित रूप से मोह उत्पन्न होता प्यार उत्पन्न होता लव उत्पन्न होता और इस माया के बस में ये जो मोह माया है इसके बस में महात्मा बुद्ध की पत्नी और महात्मा बुद्ध दोनों आ जाते तो महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग में समस्या उत्पन्न करता यह मोह बच्चा भी हो सकता है द्रवित अवस्था में आता रोने लगता यशोधरा भी रोने लगती तो कहीं ना कहीं होम रिनाउंस में बाधा उत्पन्न होती इसलिए क्या किया इसलिए महात्मा बुद्ध ने नहीं बताया और अपने सारथी चन्ना या चांड या चांद के साथ में इन्होंने होम रिनाउंस कर दिया महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था क्या दिया था भैया उनतीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था ध्यान रखिएगा उनतीस वर्ष की अवस्था में और बौद्ध धर्म के इतिहास में इसी होम रिनाउंस या गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है महाभिनिष्क्रमण हो गया गृह त्याग हो गया महात्मा बुद्ध का अब आगे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा ठीक महात्मा बुद्ध का होम रिनाउंस हो चुका है ग्रह त्याग हो चुका है और जिस समय महात्मा बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया इस समय महात्मा बुद्ध की उम्र कितनी थी उनतीस वर्ष इनकी उम्र थी और इसे देखिए इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, है गृह त्याग को ये यूपीएससी में आपसे पूछता है इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने इस कपिल वस्तु से अपने कदमों को आगे बढ़ाया और पहुंचे कहा अनुवैया नामक स्थान पे ये जो अनुवैया नामक स्थान है ये अनोमा नदी के तट पर है यहाँ बैठे महात्मा बुद्ध कुछ दिनों तक यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जैसे आप लोग इलाहाबाद पहुंचते हैं लखनऊ पहुंचते हैं कई बार पटना पहुंचते हैं फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं ट्रल चौराहे पे आते हैं मुखर्जी नगर पे आते हैं जहां से इस क्लास का लाइव प्रसारण आप लोगों के बीच में हो रहा है ये वो चौराहा है जहां से आई की लाइन लगती है तो यहां पहुंचते हैं तो अभी महात्मा बुद्ध इलाहाबाद प्रतापगढ़ इलाहाबाद लखनऊ इस तरफ हैं अभी अभी मुखर्जी नगर की तरफ नहीं पहुंचे अभी कुछ देर बाद मुखर्जी नगर जब थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग मुखर्जी नगर आते हैं और यहाँ पे आइएगा हमारे संस्थान में आप लोग हमारा संस्थान है यहाँ पे मुखर्जी नगर में दर्पण आई के नाम से कई वर्षों से हमारा संस्थान है इतिहास विषय को यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं सामान्य अध्ययन की भी कुछ क्लासेज होती हैं सभी क्लासेस तो नहीं होती हैं क्योंकि तो अन्य इंस्टीट्यूट में भी हमारा समझौता है वहां पे भी क्लास लेना ही पड़ता है प्रारंभिक समय से ही ऐसा है तो आप लोग आइए दर्पण आईएस के नाम से हमारा संस्थान है आप लोगों का स्वागत रहेगा बिल्कुल मुखर्जी नगर के सेंट्रल पॉइंट पे हमारा संस्थान है इसके अलावा अब आगे बढ़े और महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंचे वैशाली जब पहुंचे तो यहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला शिष्य बनाया महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया अलार कलाम को ये महात्मा बुद्ध के गुरु हैं पहले कुछ तपस्या की इन्होंने यहां पे इसके बाद में यहां से उठ के महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे ये मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिब्रज हमने आपकी इसकी लोकेशन के बारे में बताया था चार तरफ से चारों पहाड़ियों से घिरा हुआ है कल हमने आपको दिखाया था ये चारों तरफ से चारों पहाड़ियों से घिरा होता है काफी अलौकिक दृश्य है यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है यहाँ का यहीं पे महात्मा बुद्ध पहुंच गए यहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना दूसरा गुरु बनाया रुद्रक रामपुत्र को बनाया अब दूसरा गुरु महात्मा बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र ध्यान रखिएगा ये क्रम से है पहले अराल अलार कलाम दूसरे रुद्रक राम पुत्र और इसके बाद में महात्मा बुद्ध पहुंचे यहीं पे सेनापति ग्राम में सेनापति ग्राम मुख्य रूप से उर्वेला ग्राम के अधीन आता था और यह आधुनिक फालगु नदी के किनारे स्थित है यहां पे एक घटना घटती है इसको देखिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा इस घटना को बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग फाल्गु नदी का दृश्य है इसके नदी के किनारे महात्मा बुद्ध बैठ गए तपस्या स्टार्ट की कठिन तपस्या स्टार्ट की इतनी कठिन तपस्या स्टार्ट की कि महात्मा बुद्ध के शरीर के ऊपर कीड़े मकोड़े रेंगने लगे घास फूस जाम गई ये यूपीएससी है आप सोच लो हम लोग मुख्य परीक्षा जब देते थे तो सेविंग का पता नहीं होता था कितनी बड़ी हो गई बिल्कुल बाबा बन जाते थे तो मेहनत तो करनी पड़ती और देखो महात्मा बुद्ध भी मेहनत कर रहे हैं किसी के शरीर के ऊपर से कीड़े मकोड़े अगर रेंगने लगे घास फूस जाम जाए तो आप सोचो कि वह व्यक्ति कितना मेहनत करता होगा हालांकि यह दंतियां हैं ये इतिहास नहीं है ये हैं यह कहानी है यह स्टोरी है अब यहां पे एक कन्या है इसका नाम है सुजाता ये सुजाता इस रास्ते से गई और देखा तो वही घास फूस वाली स्थिति थी और व्यक्ति के की ऊपर कीड़े मकोड़े थे और मुंह खुला था हल्का सा तो जो कन्याएं होती हैं जो गर्ल्स होती हैं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भावनात्मक होती हैं बहुत ज्यादा उदार होती हैं पुरुषों की अपेक्षा लाख गुना ये सच्चाई है लेकिन पुरुषों से मुकाबले महत्वाकांक्षा भी ज्यादा महिलाओं में ही होती है यह भी ध्यान रखना जब उनके साथ कोई अन्याय किया जाता है तो वो काली का रूप लेके वो चंडी का रूप लेके वो दुर्गा का रूप लेके वो खत्म भी करती तो यहाँ पे सुजाता ने देखा तो सुजाता लविंग हो गई अपने घर गई और सुजाता ने क्या किया सुजाता ने इस समय एक भोजन बनाया और इस भोजन का नाम था छीर पकौदन यही है छीर पकौदन ध्यान रखना खीर पकौदन अब सोचो जरा खीर पकौदन क्या हो सकता है क्या है खीर पकौदन जो खीर पकौदन खीर है जो दूध की बनती है खीर यही है खीर एक कटोरा भर के बनाया लाया महात्मा बुद्ध के मुख में दो तीन चम्मच रखा धीरे धीरे महात्मा बुद्ध को हो महात्मा बुद्ध ने अपना एक तरीके से मुंह खोला पूरा खीर महात्मा बुद्ध खा गए जब खीर खा गए तो महात्मा बुद्ध का जो अवचेतन मन हुआ वो भी जागृत हो गया ऐसे में महात्मा बुद्ध ने अपनी पूरी आंखें खोली जब पूरी आंखें खोली तो देखा कि एक सुंदर कन्या खड़ी है धीरे धीरे अपने आंखी खोली और जो देखा एक सुंदर कन्या खड़ी है तो पूरी आंखें महात्मा बुद्ध ने खोल दी क्यों क्योंकि महात्मा बुद्ध पुराने खिलाड़ी भौतिकवादी वस्तुओं में ही जीवन बीता है लेकिन देखो अब क्या होता है अब महात्मा बुद्ध ने जब पूरी आंख खोली तो इतनी कठिन तपस्या महात्मा बुद्ध ने जो की थी खत्म हो गई तपस्या महात्मा बुद्ध की तपस्या में परिवर्तन आ गया कहा महात्मा बुद्ध सत्य की प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक थे और कहा महात्मा बुद्ध की तपस्या भंग हो गई क्योंकि तो तपस्या में कन्या का कोई रोल नहीं है महात्मा बुद्ध अब आगे बढ़े आयस तो बनना ही है फाइनली आयस तो बनना ही है आगे बढ़े महात्मा बुद्ध अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सुजाता को यहाँ सुजाता ने खीर खिलाया तो महात्मा बुद्ध के साथ में पांच ब्राह्मण साथी भी तपस्या कर रहे थे ये नाराज हो गए भाई आप लड़कियों से खीर खाओगे तो हम आपके साथ तपस्या नहीं करेंगे तो महात्मा बुद्ध भी दूसरी तरफ चले गए उठ के तो महात्मा बुद्ध सेनापति ग्राम से अब पहुंचे कहाँ गया यहां पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठ गए कठोर तो तपस्या और प्रारंभ कर दी और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी तो यहीं पे महात्मा बुद्ध को आठवें दिन ही अगर थोड़े दिन और तपस्या कर लेते तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती लेकिन अब पहुंचे गया और गया में इन्होंने आठवें दिन तपस्या करने के आठवें दिन पश्चात ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म की भाषा में बोध गया आप लोग जब जाएंगे टेम्पल तो यहां पर लिखा रहता है संबोधि महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा जाता है संबोधि कहा जाता है बुद्धिज्म की भाषा में या पाली भाषा में तो संबोधि क्या है महात्मा बुद्ध के सत्य की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आप लोगों ने देखा किस वृक्ष के नीचे तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे बट वृक्ष नहीं है पीपल के वृक्ष के नीचे इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग आगे बढ़िए थोड़ा सा अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई गया में तो गया में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यहीं पे महात्मा बुद्ध को अपना उपदेश दे, दे देना चाहिए था यहीं पे महात्मा बुद्ध को अपना उपदेश दे देना चाहिए था लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस गया में अपना उपदेश क्यों नहीं दिया बाबू लोग जल्दी से बताओ जरा हम्म कोई है बताने वाला हम्म यहां पे उपदेश क्यों नहीं दिया बताओ निरंजना नदी है ठीक निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई लेकिन आप लोग ये बताओ कि क्यों यहां पे अपना पहला उपदेश क्यों नहीं दिया जब यहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी गया नामक स्थान पे तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे अपना फर्स्ट शर्मन डिलीवर क्यों नहीं किया गया में महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट शर्मन डिलीवर किया इस सारनाथ में क्यों ये इंटरव्यू का प्रश्न है जब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में हमने पीसीएस का इंटरव्यू दिया था तो यही प्रश्न पूछा था क्योंकि हमारा इतिहास विषय रहा है तो कोई बता सकता है इसमें से आप लोगों में से कोई बताए तो मैं देखता हूं बताइए आप थोड़ा मेरी तरफ भी एक बार ध्यान कर लीजिए खूब चेट जम के किया है कोई बात नहीं है मेरी तरफ एक बार ध्यान कीजिए आप लोग देखिए मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से उनको कोई नहीं मिला नकुल अच्छा आपने कपिल क्या बताया अब बताइए मैं देखता हूं बताइए अच्छा महात्मा बुद्ध की मर्जी हाँ तुम्हारी बात भी सही सबकी बात सही है ऐसी बात नहीं है मैं किसी की बात को गलत नहीं कहता अच्छा नहीं मालूम सुरुचि आपको नहीं मालूम आप तो समझदार हैं काफ़ी ऐसा लगता है कभी कभी तो कभी कभी लगता है सरदार जी आप बताइए नो आइडिया अच्छा और कौन बताएगा कोई तो बताओ कोई तो बताओ इसमें से क्यों नहीं था भैया गया में इतने सारे लोग थे क्यों नहीं था कोई हम्म क्यों नहीं थे भाई थे बताओ 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 क्या होगा देखो कौन बताता है बताओ जल्दी से क्या होगा बालक लोग हुँ? देखो एक बात ध्यान से सुनो मेरी गया में लोग तो थे लेकिन महात्मा बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई थी अब महात्मा बुद्ध आई बन गए थे तो कई बार लोग आई बन जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन महात्मा बुद्ध तो ऐसा बोल नहीं सकते तो महात्मा बुद्ध आयस किया है। तो कम से कम उनके आस पास की कैटेगरी में कुछ जो आई होंगे उन्हीं से वो बातचीत करेंगे ना तो गया में ऐसा कोई नहीं था जो आईएस बना हो तो महात्मा बुद्ध पहुंचे कहां महात्मा बुद्ध पुना पहुंचे सारनाथ यहां पे बहुत सारे लोग तपस्या करते थे सारनाथ में यानी कि यहां पे श्रेष्ठ लोग रहते थे और जब सारनाथ पहुंचे तो वो पांच ब्राह्मण जो महात्मा बुद्ध से अलग हुए थे वो महात्मा बुद्ध को मिल गए सौभाग्य तो था जब वो मिल गए तो वो पांच ब्राह्मण जो आ रहे थे जो श्रेष्ठ थे वो महात्मा बुद्ध के सत्य के ज्ञान को उपदेश को शर्मन को समझ सकते थे तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को दिया क्योंकि वो समझ सकते थे और कोई समझ नहीं सकता था ठीक तो इसी को क्या कहा जाता है पहला उपदेश जब डिलीवरेट किया तो इसी को बौद्ध धर्म की भाषा में क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इन्हीं पांच ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था पांच ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था अपना पहला उपदेश दिया था ठीक इतनी बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं फर्स्ट शर्मन डिलीवर्ट कर दिया अब महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे अपने सत्य के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे इसी क्रम में महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कहा सारनाथ से चल के वाराणसी पहुंचते हैं और यहां पे एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जिसका नाम रहता है यस देखो नाम भी कैसा है इस व्यापारी का नाम क्या है इस व्यापारी का नाम है यस यस ने क्या किया महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और महात्मा बुद्ध को भेंट दी महात्मा बुद्ध को दान दिया महात्मा बुद्ध इस सारनाथ से आगे बढ़े वाराणसी से आगे बढ़े और पुनः सारनाथ पहुंच गए जब सारनाथ पहुंच गए तो इस समय मानसून आ चुका था इसे मानसून आ रहा है ना बम्बई में बारिश हुई नहीं हुई यूपी में भी देख रहे हैं लखनऊ में खूब बारिश हो रही है इस समय जम के बारिश हो रही है ऐसा है क्या लखनऊ में जम के इस समय बारिश हो रही है लखनऊ में इस समय जम के बारिश हो रही है दिल्ली में लेकिन नहीं हो रही है गजब की धूप है दिल्ली में मुखर्जी नगर में दिल्ली की गर्मी भी प्रसिद्ध है सर्दी भी प्रसिद्ध है सर्दी होती है तब भी कड़ाके की होती है गर्मी भी होती है तब भी कड़ाके की गर्मी होती है तो ये पहला वर्षावास महात्मा बुद्ध ने यहीं बिताया सारनाथ में ये पूछा जाता है आपसे इसके बाद में महात्मा बुद्ध उर्बेला गांव पहुंचे यहाँ के लोग महात्मा बुद्ध को बुला रहे थे बड़ा प्यार था महात्मा बुद्ध से यहाँ के लोगों को अब यहाँ का एक व्यापारी था ये तीस धनी युवकों का नेता था भद्र इसने महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया महात्मा बुद्ध उर्बेला से आगे बढ़े और पहुंच गए राजगृह जो तो मगध की राजधानी थी नाम था गिरी ब्रज भी इसका नाम था यहां पहुंचे तो यहां इस समय जो राजा था इसका नाम था बिंबसार अभी कल आप लोगों ने पढ़ा है हमने बताया भी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे तो बिंबसार ने क्या किया महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली और महात्मा बुद्ध को एक बिहार दान में दिया बनवा के इसका नाम था बेड़वन बन बिहार आपसे यूपीएससी में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को बेड़वन बन बिहार बनवाकर किसने दान में दिया था तो महात्मा बुद्ध को बेड़वन बन बिहार बनवा के दान दिया था बिंबसार ने यह भी पूछ सकता है कि बेड़वन बन बिहार कहाँ है तो राजगृह या गिरी ब्रज में है ये बिहार क्या होता है भाई बालक लोग बिहार क्या होता है बिहार तो बिहार निवास स्थान होता है क्या होता है बाबू लोग बिहार निवास स्थान होता है किसका निवास स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है यहां पे अब महात्मा बुद्ध के जो लोग शिष्य बन रहे हैं वो इसी बौद्ध बिहार में ही तो निवास करेंगे तो महात्मा बुद्ध को एक बिहार मिला जिसका नाम था बेड़वन वन बन बिहार इसको मगध के राजा बिंबसार ने दिया था आगे बढ़िए इसके बाद में महात्मा बुद्ध लुम्बिनी बन पहुंचे महात्मा बुद्ध का जन्म यही लुम्बिनी में ही हुआ था ये लुम्बिनी कपिल वस्तु में स्थित था अब घर के लोग बुलावा दे रहे थे भाई आयस बन गए आए नहीं बहुत दिन हो गया क्या लगता है माँ बाप को भूल गए क्या देखो महात्मा बुद्ध भी कुछ दिन भूले हुए अपने घर परिवार गांव को भूले हुए अब बुलावा आ रहा है घर वाले भाई आयस बन गए तो कम से कम एक बार आइए आशीर्वाद तो ले लीजिए और आयस बन गए तो घर वालों का भी कुछ ध्यान रखिए तो पहुंचे महात्मा बुद्ध लुम्बिनी वन जहां महात्मा बुद्ध का ये वही ग्राम है जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है अब यहां महात्मा बुद्ध के परिवार के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त यह अभी महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लेता है लेकिन बौद्ध धर्म में पहला विद्रोह यही देवदत्त ही करता है यह भी ध्यान रखिएगा ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई है इसके बाद की स्थिति को आप लोग देखिए और आगे बढ़े महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध अब श्रावस्ती पहुंचे यह कोसल महाजनपद की राजधानी थी कोसल महाजनपद की दो राजधानियां थी कल हमने आपको बताया था एक श्रावस्ती ये उत्तरी कोसल की राजधानी थी और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था वो राजा प्रसेनजीत था जिसकी बहन का नाम कल हमने आपको बताया था महाकोसला था जिसका विवाह बिम्बसार के साथ में हुआ था इसी प्रसेंदीत की एक पुत्री थी वह अप्सरा के समान थी जिसका नाम वाजिरा था वाजिरा का विवाह प्रसेन ने किसके साथ में किया था अजात शत्रु के साथ में किया था यहां पे प्रसेंजित महात्मा बुद्ध के शिष्य से बन गए ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन आयु के हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन आयु के हैं ध्यान रखना इसी श्रावस्ती में एक स्त्री थी एक महिला थी जिसका नाम विशाखा था ये विशाखा इसी श्रावस्ती के एक व्यापारी की पुत्री थी इसने महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म में शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद में इस स्त्री ने क्या किया इस महिला ने महात्मा बुद्ध को पुब्बा राम बिहार बनवा के एक दान में दे दिया बड़ी धनी महिला थी इसका जो पिता था वो व्यापारी था इसके बाद में महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंचे यहां महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद मिला कहते हैं कि ये महात्मा बुद्ध के भाई भी थे ऐसी क्यों दंतियां हैं लेकिन इतना तो ही है, है कि महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य यही है अब महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए महात्मा बुद्ध के घर की जो महिलाएं थी वो आतुर थी कि कब हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा मिलेगी तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि अब महिलाएं भी बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहती हैं गुरुजी। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसी बात है क्या आनंद ने कहा हां तो बहुत दिन हो गया ये तो हमने आपसे अब बताया तो इसी समय आनंद से महात्मा बुद्ध ने कहा था कि देखो हे आनंद हे आनंद ऐसे ही बोलते थे आनंद से हे आनंद वह बौद्ध धर्म जो हजारों वर्षों तक चलता महिलाओं के प्रवेश से यह बौद्ध धर्म कुछ वर्षों तक ही कुछ सौ वर्षों तक ही चलेगा क्योंकि महिलाओं के प्रवेश से जो बौद्ध मठ हैं जो बिहार हैं वहां पे बिलासी जीवन की व्याप्ति हो जाएगी वहां पे फिर भ्रष्टाचार भी आ जाएगा और फिर बौद्ध धर्म का पतन भी हो जाएगा तब भी महात्मा बुद्ध ने आनंद की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इसी देखो वैशाली में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिया महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में कहा हुआ इसी वैशाली में हुआ नोट कर लीजिएगा इसको इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग यही वैशाली में एक महिला है इनका नाम है छेमा या खेमा ये बिंबसार की पत्नी है दूसरी पत्नी है इन्होंने महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली दूसरी पत्नी है इसी में यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है इन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली इसी में नंदा इसी में आम्रपाली ये सब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रही हैं वैशाली में ही ये महिलाएं हैं इसके अलावा इस वैशाली से चलकर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और ये है एक बहुत बड़े डाकू का एरिया था जिसका नाम था अंगुलिमाल ये है ये देखो लोगों को खत्म करता था और खत्म करने के बाद में क्या करता था उनका एक अंगूठा उनकी एक उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर ये पहन लेता था महात्मा बुद्ध ने लोगों से इस क्षेत्र के लोगों से इससे मिलने की इच्छा व्यक्त की तो लोगों ने कहा ना बाबा वहां मत जाइए आप हमारे आदि पुरुष हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं आप हमारे देवता के समान कहीं उसने आपके साथ भी वैसा व्यवहार कर दिया तो हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं आप लोग यहीं रहो हम मिल आते हैं तो महात्मा बुद्ध जब इसके पास गए तो यह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया महात्मा बुद्ध को इन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हमें बौद्ध धर्म में शामिल कीजिए सब कुछ त्याग दिया जो डाकू पना था उसको त्याग दिया व्यक्ति शांत हो गया महात्मा बुद्ध ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी क्यों आखिर ऐसी क्या बात है कि डाकू या स्नेक या अन्य जो जीवधारी लोग हैं वो कठोर प्रकृति के हैं महात्मा बुद्ध का जब उनसे सामना होता है तो महात्मा बुद्ध के सामने वो लोग घुटने टेक देते हैं ऐसी क्या बात है भाई महात्मा बुद्ध में बताओ आप लोग ये भी इंटरव्यू का प्रश्न है तीनों तैयारी एक साथ करवा रहा हूं आप लोगों की ऐसी क्या बात है कि कठोर से कठोर लोग डाकू लोग महात्मा बुद्ध के सामने अपने घुटने टेक दे रहे हैं जरा बताओ आप लोगों में से काफी समझदार हैं आप लोग बताइए पीडीएफ तुरंत क्लास खत्म होने के बाद मिल जाता है चिंता मत कीजिए आप हम्म बताइए सोचिए जरा सोचिए 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 हम्म बताइए जब मैं कहूं सोचना शुरू कीजिए तो सोचना शुरू कर दीजिए मंथन बहुत जरूरी है यूपीएससी में यूपीएससी में मंथन करना बहुत जरूरी है सरल स्वभाव था ऐसा अच्छा और क्योंकि वो एक महान पुरुष थे अच्छा महान पुरुष में ऐसा क्या होता है भाई मैं वही जानना चाह रहा थोड़ा सा बहुत डीपली मत बताइए बिल्कुल खोल के बताइए ओपन करके उसे बताइए महान पुरुष तो बहुत होते हैं हम्म, बताओ बताओ उदारता एवं सहनशीलता और शालीनता करुणा उपदेश के कारण बुद्ध ने सभी उनका और बताओ 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 पाठक जी आपने बहुत सही बताया देखो महात्मा बुद्ध के इसी आभा मंडल को देखो ना ये महात्मा बुद्ध के इस तेज को देखो ना ये तेज आपको दिखाई पड़ रहा है ये तेज सबको थोड़ा ना मिलता है ये एक रेंज बनाता है दो चार किलोमीटर के अंदर में बिसैला से बिसैला जानवर आएगा व्यक्ति आएगा वह हाँ भी शांत हो जाएगा क्योंकि तो ये जो आभा मंडल है इसमें इतना तेज है कि वो व्यक्ति शांत हो जाता है क्योंकि तो ये महापुरुष हैं ये देवता के रूप में हैं सब शांत हो जाते थे स्थिर हो गए देखिए आप यहां पे बना हुआ है ये तेज ठीक समझते रहिएगा रेंज थी ऐसा नहीं महात्मा बुद्ध की ही रेंज थी मध्यकालीन भारत में जो ये चिश्ती साहब चलते थे मोइनुद्दीन चिस्ती साहब जिधर ये चलते थे उधर जमाना चलने लगता था लोग उठ के अपने आप चलते थे लोग सुने बस वो उनके पीछे दीवाने हो गए पागल हो गए भागने लगते थे रेंज होती थी उनकी मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कभी जाइएगा तो एक प्यारा गुलाब लेके जाइएगा उनको गुलाब बहुत पसंद था वही गुलाब वहां पे मिलता भी है चढ़ाने के लिए वही गुलाब चढ़ाया जाता है और लोग चद्दर चढ़ाते हैं भाई इसके अलावा महात्मा बुद्ध अब पावापुरी पहुंचे और पावापुरी में यहाँ पे चुंद एक लुहार चुंद एक सुनार है इस सुनार ने क्या किया महात्मा बुद्ध को खिलाया एक भोजन करवाया अच्छे से डिनर करवाया और इस डिश का नाम क्या है जो इस चुंद सुनार ने महात्मा बुद्ध को खिलाया इस डिश का नाम क्या है भाई क्या खिलाया होगा तो महात्मा बुद्ध को यहां पे इसने देखो क्या खिलाया यहां पे महात्मा बुद्ध को सुकर माधव खिलाया सूकर माधव बड़े प्यार से खाया महात्मा बुद्ध ने शुअर का मांस खूब खाया जम के खाया ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण महात्मा बुद्ध को डिसेंट्री हो गई अतिसार रोग हो गया और जब अतिसार रोग हो गया तो महात्मा बुद्ध के पेट में पेन होने लगा दर्द होने लगी तब महात्मा बुद्ध ने अपने इस प्रिय शिष्य से कहा कि देखो भाई हमारी विदाई करो लगता है हमारा अंतिम समय आ चुका है अब हम आगे बढ़ेंगे तो चुंद ने कहा कि ठीक है आपको मैं प्रणाम करता हूं आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसे में महात्मा बुद्ध इस पावापुरी से आगे बढ़े और कुशीनगर पहुंचे यहीं पे महात्मा बुद्ध का चार सौ तिरासी ईसापुर में स्वर्गवास हो गया इसी को बौद्ध धर्म की भाषा में किसके नाम से जाना जाता है इसी को बौद्ध धर्म की भाषा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है जब महात्मा बुद्ध को महा प्राप्त होने वाला था तो यूपीएससी ने एक बार ये प्रश्न पूछा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इस समय किसको दिया आनंद को दिया, दिया सुभद्र को दिया उपाली को दिया या किसी और को दिया तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपना अपना जो शिष्य था उसका नाम था सुभद्र इसी सुभद्र को महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था इसी सुभद्र को महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था एक बार लाइक भी कर लीजिए आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर लीजिए थोड़ा सा संख्या और जनसंख्या को बढ़ाइए आप लोगों की तरफ से हमारे कॉन्फिडेंस का विकास होगा और ऐसा आप जरूर करें ऐसा आप लोग जरूर करें एक बार शेयर कर लीजिए दस सेकंड लगता है अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जम के शेयर कीजिए शेयर किया कीजिए आप लोग स्टेटस वगैरह लगा लिया कीजिए और आने में आप लोग हमारे कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन भी लीजिए जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो हमारे कोड का यूज करे मैं अपना कोड आपको बता देता हूँ ये हमारा रेफरल कोड है एस ए एन जे डबल ई बी यही हमारा नाम भी है यही हमारा रेफरल कोड भी है इसका आप लोग यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन लीजिए सब्सक्रिप्शन का ऑफर भी इस समय चल रहा है सोलह जून तक है, जो कम्बो ऑफर है वो बैलेड है अगर किसी को कोई समस्या होती है किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत आप हमारे पास फोन कर सकते हो व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो व्हाट्सएप भी कर सकते हो सतासी पचास एक सौ अठासी हमारा नंबर है आप लोग इसको नोट कर लो कुछ भी पूछना हुआ करे तो आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हो लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखना है हो सकता है तुरंत उत्तर ना मिले तो करीब दस घंटे की पर डे तो क्लास ही रहती है कुछ क्लासें आप लोगों के बीच में निरंतर है कुछ अन्य इंस्टीट्यूट में वैसे इस समय तो ऑनलाइन तो ही क्लासेस भी हमारी क्लासेस कई इंस्टीट्यूट में वर्तमान में तो नहीं चल रही चूंकि सब जगह बंद पड़ा हुआ है तो ऑफलाइन भी नगर में हमारी क्लासेस चलती है हमारा अपना संस्थान है भाई आठ नौ साल हो गए उसको स्टेब्लिश हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफी दिनों तक पढ़ाया है जो देश के बड़े बड़े संस्थान है कैपिटल सिटीज चाहे लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे जयपुर हो वहां पे हमने पढ़ाया है कोई संस्थान बचा थोड़ा ना है तो एक्सपीरियंस है आप लोग संपर्क कर सकते हो और सबक्रिप्स या एडमिशन अनकेडमी में लेना हो तो हमारे इस कोड का प्रयोग कीजिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है नोट कर लीजिए इसको कोई दिक्कत हो तो तुरंत कॉल कीजिए आपकी हर समस्या का यहां पे समाधान होगा निश्चिंत रहिए बिल्कुल और प्रॉपर हमारी तरफ से आपको गाइडेंस दिया जाएगा जब तक आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक और हमारे द्वारा आपको अध्ययन सामग्री भी दी जाती है यह भी ध्यान रखिएगा बहुत सिलेक्टेड अध्ययन सामग्री देता हूं जिसका पढ़ के यूपीएससी में लोगों का चयन हुआ है और होता है उसको अपडेट भी मैं करता रहता हूं यूपीएससी तो में यह जानना बेहद जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है हो सकता है आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगे आपके बहुत ज्यादा समझ में आ जाए और कहीं कभी ना पढ़े हो लेकिन वो परीक्षा में नहीं आता तो फिर बेकार है तो मैं वही पढ़ाता हूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वही पढ़ाता हूं ज्यादा वही पढ़ना है भाई सब कुछ नहीं कर सकते हमारी भी एक सीमा है आपकी भी एक सीमा है और हमें सब कुछ पढ़ना भी नहीं है हमें बहुत केंद्रीकृत होकर के अध्ययन करना है हमें फोकस पढ़ाई करना है हमें स्मार्ट पढ़ाई करना है जहां से प्रश्न भी आ जाए और आप लिख दो तो इस तरीके से लिखो आपको नंबर भी मिले वहां पे तो हमारी तरफ से यह प्रयास आप लोगों के लिए रहेगा और पूरी ईमानदारी से रहेगा सबक्रिप्शन लेने का हमारी तरफ से आप लोग प्रयास यह हमारा कोड है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब एक बात और ध्यान दीजिए महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया चार सौ तिरासी बीसी में तो महापरिनिर्वाण कहां हुआ कुशीनगर में हुआ सुकर माधव खाया था महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया तो महात्मा बुद्ध का जो स्वर्गवास हो गया या महापरिनिर्वाण हो गया तो महात्मा बुद्ध का जो अस्थि अवशेष है जो धातु अवशेष है उस पर कुछ आठ कुल आठ राजाओं ने अपनी दावेदारी की अब धातु अवशेष में क्या महत्वपूर्ण होता है देखिए इसको ध्यान से समझिएगा क्या महत्वपूर्ण होता है जैसे कोई व्यक्ति है तो धासु आउ, धातु धातु अवशेष में आ, उसका उसकी जो हड्डी होती है वो महत्वपूर्ण होती है हड्डी इसका दांत महत्वपूर्ण होता है दांत इसकी चरण पादुका महत्वपूर्ण होती है चरण पादुका इसकी महत्वपूर्ण होती है और क्या होता है भाई और इस इनका महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र महत्वपूर्ण होता है ध्यान से समझिएगा बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ आपको भिक्षा पात्र के अलावा जो हेयर है हेयर जो हेयर है यानी हेयर का मतलब यहाँ पे जो केस केस है केस का मतलब हेयर यानी बाल सर के बाल इस पे दावा किया और दावा कुल आठ राजाओं ने किया यह प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है इसमें पूछता है कौन राजा शामिल नहीं हुआ इसमें पूछता है कौन राजा शामिल नहीं हुआ तो आठ कुल राजा शामिल हुए महात्मा बुद्ध के इन धातु अवशेषों को प्राप्त करने के लिए इसमें कौन कौन था तो इसमें अजात शत्रु शामिल हुआ था महात्मा बुद्ध की समकालीन आयु का था यह मगध का राजा था कल अजात शत्रु पढ़ाया तो आपको बताया भी था कि अजात शत्रु शामिल हुआ टेलीग्राम लिंक हमारा है हिस्ट्री वाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके आप लोग ज्वाइन कीजिए लास्ट में क्लास में एंड में भी लिंक आपको मिला रहेगा क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक लिंक रहेगा अच्छा चलिए मैं शेयर कर देता हूँ मैं एक मिनट शेयर कर देता हूँ तो धातु अवशेषों के लिए कुल आठ राजाओं ने क्या की कुल आठ राजाओं ने दावेदारी की कुल कितने राजाओं ने दावेदारी की आठ राजाओं ने दावेदारी की इसमें अजाज शत्रु था इसमें कौन था भैया इसमें अजात शत्रु था ठीक उसके अलावा सात राजा आपके सामने हैं बस थोड़ा समय दीजिए बता रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको जम के ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग यहीं पे आपको एक तरीके से पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा ज्वाइन कर लीजिए मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को यही है टेलीग्राम लिंक ठीक चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा और इसमें सुकीर्ति शामिल हुआ ये साग के राजा था इसमें लिच्छवी गणराज का लिच्छवी गणराज के राजा भी शामिल हुए मल्ल गणराज के राजा भी शामिल हुए ब्राह्मण शामिल हुए बेठदीप के ये कोलिय शामिल हुए रामगाम के ये मौर्य शामिल हुए पिप्पलवन के ये अलकप के बुली शामिल हुए ऊपर राजाओं के नाम दिए हुए हैं नीचे उनके क्षेत्र या एरिया के नाम दिए हुए हैं जैसे अजाशत्रु मगध का राजा था जैसे सुकीर्ति साक्य गणराज्य का राजा था लिच्छवी वैशाली के राजा थे मल्ल पावा के राजा थे ब्राह्मण कहाँ के थे बेठ द्वीप के कई बार तो कूट में यही मिलाने के लिए आपको दे देता है और कई बार दिया है ये आपके सामने इसके अलावा कोली है ये रामगाम के कोली है मोरी है पिप्पल वन के मोरी है अलकप के बोली रामगाम के कोली है। और पिप्पल वन के मौर्य इसको जरूर दोनों को याद रखिएगा राम गाम के कोलिय और पिप्पल वन के मौर्य ठीक और अलकप के बुली इन लोगों ने महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों पर दावेदारी की और कुछ ना कुछ धातु अवशेषों को लेके गए और लेके जाने के बाद में इन लोगों ने क्या किया इन धातु अवशेषों को इन धातु अवशेषों को यहां पे इन लोगों ने रखा और रखने के बाद में इस पर क्या बनवाया इस, इस पर पूजा घर बनवाया इन लोगों ने इस पर पूजा घर बनवाया और पूजा घर का नाम क्या है यहां पे बौद्ध धर्म पूजा घर का नाम है एक तो चैत्य हो गया एक बिहार हो गया एक अस्तूप हो गया एक क्या हो गया एक अस्तूप हो गया अस्तूप क्या होता है अस्तूप पूजा घर होता है और अस्तूप के चार प्रकार होते हैं तो जो महात्मा बुद्ध के शरीर की धातु अवशेष है उस पर रख के लोगों ने राजाओं ने जिस स्तूप का निर्माण करवाया इसको किसके नाम से जाना गया इसको शारीरिक स्तूप के, के नाम से जाना गया किसके नाम से जाना गया शारीरिक स्तूप के नाम से जाना गया ठीक ध्यान रखिएगा इसको और ये स्तूप वास्तविक श्रेणी के स्तूप हैं वास्तविक श्रेणी का स्तूप तो यही है क्योंकि महात्मा बुद्ध है ये अस्थी महात्मा बुद्ध के केस या महात्मा बुद्ध के दांत को रखकर यहां पे स्तूप का निर्माण किया जा रहा है पूजा घर का निर्माण किया जा रहा है अब जहां पे महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष रखा जाएगा ना वही इस स्तूप का गर्भ ग्रह होगा वही सबसे पवित्र स्थान होगा थोड़ा सा और आगे बढ़िए आप सभी लोग अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो चारों तरफ शोक की लहर फैल गई कुछ लोग यह सोचने के लिए विवश हुए कि भाई महात्मा बुद्ध की जब डेथ हो गई मृत्यु हो गई महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हो गया तो अब बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कैसे चलाया जाएगा तो इसी पर विचार विमर्श के लिए बौद्ध सभाओं का आयोजन किया जाता है जिसको इतिहास में बौद्ध संगीत के नाम से भी जानते हैं जिसको इतिहास में बौद्ध संगीत के नाम से भी जानते हैं कुल पांच बौद्ध संगीतियों के इतिहास को मैं बताऊंगा चार को आप लोगों ने पढ़ा होगा और पांचवी पूछा है यूपीएससी में इसलिए बता रहा हूं इन चारों बौद्ध संगीतियों को रट लीजिएगा रटना ही पड़ेगा कोई चारा नहीं है पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की जा रही है यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु चार सौ तिरासी में हुई चार चौरासी में हुई चार तिरासी में हुई तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद चार सो तिरासी में मृत्यु हुई तो मृत्यु के तुरंत बाद जो बौद्ध संगीति बुलाई गई या बौद्ध सभा बुलाई गई वो पहली बौद्ध सभा है तो ये चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में ही बुलाई गई महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ठीक महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद कहाँ बुलाई गई किस स्थान पर बुलाई गई तो यह स्थान है गुफा ये कहाँ है सप्तपर्णी गुफा तो राजग्रह है यह राजग्रह क्या है यह एक स्थान है. है यह मगध की राजधानी है इस समय शासक कौन है तो इस समय शासक है आजाद शत्रु यही मगध का शासक है इसी के समय में बुलाई गई अब यह जो बौद्ध संगीत है इस पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की महाकश्यप ने इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की महाकश्यप महाकश्यप ने इस बौद्ध संगीत की क्या की अध्यक्षता की इसका परिणाम क्या निकल के आया इसका रिजल्ट क्या रहा भाई इसका रिजल्ट क्या रहा आप लोग बताइए इसका रिजल्ट यह रहा कि इसमें बौद्ध धर्म को दिशा निर्देशित करने के लिए बौद्ध धर्म को चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए दो पुस्तकों की रचना दो बड़े बौद्ध भिक्षुओं ने की या महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने की एक का नाम है आनंद और एक का नाम है उपाली तो रिजल्ट क्या आता है दो बौद्ध साहित्य लिखी जाती हैं एक लिखता है आनंद और एक लिखता है उपाली उपाली सु पिटक लिखता है और यह विनय पिटक लिखता है उपाली जाति से नाई है इसका ध्यान रखिएगा यह पूछा हुआ है और झां श्रीमाली जो प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे सटीक किताब है जिसको संघ लोक सेवा आयोग जिसको स्वीकार करता है अभी झां श्रीमाली का कुछ समय पहले मतलब करीब करीब दो तीन महीने पहले ही देहांत हुआ है तो वो इतिहास के पुरोधा थे हमारी तो मुलाकात हुई है जहाँ श्रीमाली साहब से बातचीत हुई है कुछ मुद्दों पे भी बातचीत होती है तो कई बार हमने ये देखा कि थोड़ा सा अपने जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति का जो रुख होता है ना थोड़ा सा कठोर होता है वो कठोर हमें लगता है लेकिन व्यक्ति कठोर नहीं होता है कठोर वो इसलिए हम लोग जानते हैं चूंकि हम लोगों का जो जीवन रहता है वो थोड़ा सा अल्हड़ टाइप का जीवन रहता है हम अपने एम पर अपने कर्तव्यों पर वास्तव में ध्यान नहीं देते लेकिन जो व्यक्ति जी लेता है काफी जिंदगी वो केवल सत्य देखना चाहता है बस वो केवल अच्छी बातों को सुनना चाहता है बस तो इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं जो बहुत कम अज्ञानी हैं कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कठोर है ये हमारी भूल होती है वो काफी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास टाइम कहाँ है भाई उनके पास तो सही सुनने का समय है और उस पर नंबर देने का समय है बस और वो नंबर देने के लिए ही व्यक्ति बैठा हुआ है तो कई मुद्दे पे हम लोगों की बहस होती थी बड़ी देर तक बहस होती थी जे एन यू विश्वविद्यालय के भी एक्सपर्ट कई बार आते रहते थे उनके यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी लोग आते रहते थे ये प्रसिद्ध हैं इतिहास की इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं खास करके और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक असम विश्वविद्यालय भी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है वहां का कोई ना कोई एक्सपर्ट यहां पे इतिहास का इतिहास जिसका ऑप्शनल रहता है वो मिलता ही है असम विश्वविद्यालय का और मैं आपको बता दूं कि हमने तो ये देखा हमारे बोर्ड में जो पढ़े थे उन्होंने बड़े अच्छे से परिचय हमारा करवाया ये फलाने हैं ऐसा है ऐसा है ये खासियत है इनकी आप लोग इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं बड़ा अच्छा माहौल बना दिया बड़े कंफर्ट जोन में ला दिया लेकिन अगर वो कंफर्ट जोन में आपको नहीं ला रहे हैं ना तो आप सोचिए कि आपका इंटरव्यू शुरू हो गया है अब उस कंफर्ट जोन में अपने आप को कैसे आपको तब्दील करना है ये आपको सोचना है तो रिजल्ट क्या हुआ पिटक और विनय पिटक नामक दो ग्रंथ लिखे गए इसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीत आप लोगों के सामने है इसका समय क्या है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के सौ वर्ष बाद एक बार यह प्रश्न पूछा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के सौ वर्ष बाद कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तो दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तीन सौ तिरासी ये देखिए चार सौ तिरासी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और जस्ट तुरंत सौ वर्ष बाद तीन सौ तिरासी ईस्वी में दूसरी बौद्ध संगीत बुलाई गई कहां बुलाई गई तो ये वैशाली में बुलाई गई वैशाली बिहार में है और बिहार में एक बिहार है यहीं पर बुलाई गई यहां इस समय शासक कौन था ये देखो कालासुक या काकबण ये शिशुनांग वंश का शासक है कल हमने आपको पढ़ाया था ये मगध का दूसरा वंश है शिशुनांग वंश इसका दूसरा शासक स्वयं है ये कालासुक या काकबण इसका अध्यक्ष कौन था इसका अध्यक्ष याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा कठिन है इसका नाम क्या है इसका नाम कठिन है सबा कामी इसका अध्यक्ष है इसमें क्या हुआ इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई पहली बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में पहली बार फूट किस बौद्ध संगीत में पड़ी तो दूसरी बौद्ध संगीत में पड़ी दूसरी बौद्ध संगीत में यह जो बौद्ध धर्म था यह विभाजित हो गया यह देखिए बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म दो भागों में क्या हो गया दो भागों में विभाजित हो गया, हो गया। पहले भाग को किसके नाम से जानते हैं पहले भाग को यहां पे अस्थाविर या थेरवादी के नाम से जानते हैं और दूसरे भाग को महासंघिक सर्वास्तिवादी के नाम से जानते हैं पहला या थेरवादी और दूसरा महासंघिक सर्वास्तिवादी अब ये जो या थेरवादी था इसका जो अध्यक्ष बन गया वो महा काच्यायन बन गया काच्यायन बन गया और इसका जो इस, इस संप्रदाय का केंद्र है वो उज्जैन है सबसे बड़ा केंद्र क्या है उज्जैन है ध्यान रखना उज्जैन ये कहाँ है उज्जैन ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध क्षेत्र है यहीं पे महाकाल देवता का मंदिर है कभी दर्शन जरूर करना आप लोग अब ये जो महा का चैन है ये कहता है कि भाई महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो उपदेश दिया उसी को बौद्ध धर्म का माध्यम जाए, माना जाएगा उसी के अनुसार बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा यह महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई बातों के आधार पर बौद्ध धर्म को चलाने का प्रयास करता है इसीलिए इस अस्थाविर थेरवादी नामक बौद्ध संप्रदाय को नो चेंजर्स कहा गया यह कोई परिवर्तन नहीं चाहता है ध्यान रखिएगा नो चेंजर्स यानी आधुनिक भारत में जब हम आपको पढ़ाएंगे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई तो जो उदारवादी था वो कोई परिवर्तन नहीं चाहता था और जो उग्रवादी था वो परिवर्तन चाहते थे वो चेंज चाहते थे वो चेंजर्स कहलाए और ये परिवर्तन चाहते हैं महासंघिक या सर्वास्थीवादी या सर्वास्थीवादी सर्वास्तीवादी ऐसे लिखा जाएगा सर्वहित लिखा हुआ यहां पे सर्वास्थीवादी बादी ये ई की मात्रा इधर रहेगी बादी, ठीक और इस सर्वास्थिवादी का नेतृत्व तो किसने किया इसका महाकश्यप ने किया उसका महाकैन ने किया और इसका मुख्य क्षेत्र क्या है इसका मुख्य क्षेत्र वैशाली है अब ये महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई बातों में परिवर्तन लाना चाहता है समय के साथ साथ जैसे व्यक्ति समय के साथ साथ परिवर्तन लाता है वैसे अब ये लोग चाह रहे हैं महाकश्यप के अधीन कि अब इसमें भी परिवर्तन लाया जाए तो ये समय की देन है जो परिवर्तन की मांग यहाँ पे उठने लगी है इसके बाद में आपके सामने तृतीय बौद्ध संगीति है ये तृतीय बौद्ध संगीति कब बुलाई गई तो लगभग दो ईसा पूर्व के आसपास में इस बौद्ध संगीति को बुलाया गया किस स्थान पे बुलाया गया पाटलिपुत्र में बुलाया गया और पाटलिपुत्र में कहा बिहार में बुलाया गया ध्यान रखना अशोकाराम बिहार शासक कौन है इस समय तो शासक इस समय मौर्य सम्राट अशोक है अशोक महान है इसका अध्यक्ष कौन है इसका अध्यक्ष है मोगली पुत्र तिस्य। ये विदेशी है और बौद्ध धर्म में आस्था रखता है और का ये गवर्नर भी है प्रांतपति भी है अब ये बौद्ध धर्म को धारण कर रहा है और बौद्ध धर्म में तीसरी बौद्ध संगीति का चेयरमैन अध्यक्ष भी बन रहा है अब कालांतर में क्या होगा अशोक का इसी बुद्धिज्म पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगेगा और मुगल पुत्र मुगल पुत्र जब बुद्धिज्म का बहुत बड़ा ज्ञानी भी है तो महात्मा महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का ज्ञानी भी है और अशोक के दरबार में रह रहा है तो निश्चित रूप से अशोक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कालांतर में अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा एक बहुत बड़ा बौद्ध आचार्य है जिसका नाम है उपगुप्त इसी उपगुप्त से अशोक क्या करेगा बौद्ध धर्म की शिक्षा ले लेगा आपसे पूछा जाता है कई बार कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे ली तो इसी उपगुप्त से ली परिणाम क्या हुआ परिणाम स्वरूप एक बौद्ध ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक अभिधम पिटक इसको लिखा किसने इसको इसी मोगलि पुत्र ने लिखा किसने लिखा मोगल पुत्र ने लिखा ठीक तो तीन पिटक साहित्य आपने पढ़ा पहला पिटक दूसरा विनय पिटक और पहले पिटक और विनय पिटक की रचना पहले बौद्ध संगीत में हुई और ये जो अभिधम पिटक है इसकी रचना मोगल पुत्र से करता है तीसरे बौद्ध संगीत का परिणाम यही था चौथी बौद्ध संगीत आपके सामने चौथी बौद्ध संगीति आपके सामने है इसका समय क्या है प्रथम शताब्दी ईस्वी अब ईस्वी में आ गए अभी तक हम लोग बीसी में थे प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ किस स्थान पर कुंडल नामक स्थान पर कुंडल बन कहा का है काश्मीर में है शासक कौन है शासक इस समय कनिष्का है ये जो कनिष्का है ये कुषाण वंश का महानतम शासक है ये कौन है ये कुषाण वंश का भारत में महानतम शासक है ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने की अध्यक्षता वसुमित्रा ने की ये इसी के दरबार में रहता है बहुत बड़ा साहित्यकार है वसुमित्रा और इसका उपाध्यक्ष भी है अश्वघोष ये पहली बौद्ध संगीति है जिसका आपको उपाध्यक्ष मिल रहा है इसके अलावा किसी भी बौद्ध संगीति का वाइस चेयरमैन आपको नहीं मिलेगा ये पहली बौद्ध संगीति है जिसका उपाध्यक्ष मिल रहा है ध्यान रखिएगा ऐसे आपसे पूछ सकता है और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष है अध्यक्ष कौन है वसुमित्र है ये इसी कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं परिणाम क्या हुआ परिणाम इस समय बौद्ध धर्म में एक बार पुनः फूट पड़ गई और यह भयंकर फूट थी अब बुद्धिज्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया एक का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है महायान कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है ये बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए हीनयान और महायान के बीच में क्या अंतर था इसको बताइए ये पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो ये चौथी बौद्ध संगीति है आपके सामने एक और बौद्ध संगीति है और ये है पांचवी बौद्ध संगीति एक और बौद्ध संगीति है पांचवी बौद्ध संगीति तो पांचवी बौद्ध संगीत के बारे में आप लोग बता दीजिए या बौद्ध सभा पांचवी बौद्ध सभा पांचवी बौद्ध सभा को इस समय क्या था भाई समय आसपास में कुछ बता दीजिए शासक कौन था किसके समय काल में इसको बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की यही तीन बात बता दीजिए और ये किस स्थान पर बुलाया गया यही चारों बातें आप बता दीजिए बस और यही पूछा है स्थान ही पूछा है, है। पांचवी बौद्ध सभा आपके सामने है एक एक करके आप लोग बताइए जरा क्या हुआ अंगत पीडीएफ भेजा तो था बेटा कल तक का पीडीएफ भेज दिया हूं टेलीग्राम ग्रुप में आप देखो जो हमने महाजनपद युग पढ़ाया और मगध पढ़ाया दोनों का पीडीएफ एक में ही तो है ऐसा थोड़ा ना होता है आप देखे नहीं होंगे सारा पीडीएफ वहीं पे पड़ा हुआ है ठीक प्रयागराज में तो नहीं हुई थी इसको ध्यान रखिएगा आप लोग प्रयागराज यानी इलाहाबाद में तो नहीं हुई थी ये ज्वाइन कर लीजिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कीजिए तभी तो पी मिलेगा आपको ज्वाइन कीजिए अपने ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर लीजिए जिसको पी डी एफ लेना है कई बार महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमारे द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती हैं हमारे क्लासेस का लिंक भी यहाँ पे आपको मिलता है पीडीएफ भी मिलता है हाँ देखो ये लोग कह रहे हैं पवन शर्मा पीडीएफ मिल गया है देखो उसी में पीडीएफ है अभी कल ही तो सेंड किया है अभी कल ही तो हमने सेंड किया है भाई पीडीएफ को हुँ? तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये पांचवी बौद्ध संगीति है इसके पहले आपको बता दूं कि कल हमारी फोर पीएम से क्लास होगी एक और फोर पीएम की क्लास में हम लोग मुख्य परीक्षा में जो आंसर राइटिंग होता है Answer राइटिंग कल चार बजे की इसी YouTube क्लास में आप लोगों की मांग पर ही यह क्लास रखी गई है कि सर आंसर राइटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है अभी तक कहीं कोई हमें अच्छे से आंसर राइटिंग करना नहीं बताया तो आप ही बताइए आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं कई जगह हमने आपसे पढ़ा भी है तो कल हमने चार बजे से यह YouTube का सेशन रखा है इसमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से कुछ मानक उत्तरों के माध्यम से हम लोग व्यापक रूप से समझेंगे कि मुख्य परीक्षा में उत्तर को कैसे लिखा जाए कि हमें बोनस नंबर मिले ये क्लास कल YouTube की चार बजे से होगी इसके अलावा एक YouTube की क्लास और होगी और यह क्लास आठ बज के 45 मिनट से होगी आठ बज के 45 मिनट यानी पौने नौ बजे से यह क्लास कल ही स्टार्ट होगी और इसमें हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे क्योंकि आप लोगों की ही मांग थी कि सर आधुनिक भारत पूरा पढ़ा दीजिए समझ में नहीं आता और आधुनिक भारत में गैप करके थोड़ा सा पढ़ाता था तो कंप्लीट आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे और जो आप लोगों के बीच में चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इसी को पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने बिल्कुल नए अंदाज में आठ बज के पैंतालीस मिनट से यह क्लास होगी कल ही यूट्यूब पे एक क्लास और है हमारी साढ़े ग्यारह बजे से पढ़ा जाएगा भोजन वोजन कर लीजिएगा जल्दी से कल साढ़े ग्यारह बजे से ये ये कल का जो यूट्यूब का सेशन है ये अर्थव्यवस्था में दो प्रश्न आपको दे देगा स्टेट कमीशन हो या यूपीएससी हो ये ऐसा सेशन हमने रखा है कि दो प्रश्न यहीं से कल एक घंटे की पढ़ाई से आपको यूपीएससी में मिलने वाला है इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समय समय पर भारत सरकार ने कई समितियों की स्थापना की तो वो समिति कौन कौन सी है उनका नाम क्या है और उनका विषय क्षेत्र क्या है इसको प्रॉपर हम लोग समझेंगे साढ़े ग्यारह बजे से क्लास होगी और परसों सुबह 12 बजे की जो क्लास होगी उसमें कला एवं संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और चित्र कला को पढ़ेंगे सुबह सुबह हम लोग सात बजे तो ये क्लासेज हैं कल की ध्यान रखिएगा ये यूट्यूब की क्लासेज हैं यूट्यूब का सेशन है यूट्यूब का फेस्टिवल है अब आइए लौटिए और बताइए आप सभी लोग वेद तो प्रकाश साहब कहाँ हुई थी म्यांमार में हुई थी बहुत सही और कौन कौन बताया है भाई और कौन कौन बताया है और भी बताइए अन्य लोग भी बताइए कुछ लोग श्रीलंका भी बताइए डरिएगा मत बताइए खुल के बताइए बोलिए खुल के आप हमारे सामने नहीं बोलेंगे बोलेंगे किसके सामने किसके सामने आप बोलेंगे अपने अंदर की जो डर है उसको निकालेंगे कहां तो चलाइए तीर लेकिन शब्दों का तीर चलाइए नैनों का नहीं चलाइए तीर देखता हूं कितनी आपकी तर्कस में कितनी तीरें हैं वसुमित्र अध्यक्ष तो नहीं है ठीक बताइए बताइए आइए देखते हैं तो स्थान कन्नौज है स्थान कन्नौज है ये हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी ऐसा माना जाता है कि इसका जो समय है वो 646 सौ है इस समय जो शासक है वो कौन है वो पुष्यभूत का शासक है जिसका नाम है हर्ष इसी को हम लोग हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की खूब बताया आप लोगों ने इसकी अध्यक्षता हुएन सांग ने की इसकी अध्यक्षता हुएन सांग ने की हुएन सांग कौन है यह एक चीनी यात्री है यह छे सौ उनतीस में चीन से भारत आता है क्योंकि ये बुद्धिज्म का अनुयायी है और बुद्धिज्म से संबंधित जो भी बातें हैं चाहे साहित्य की हो चाहे तीर्थ स्थलों की हो तीर्थ स्थलों में बौद्ध धर्म में चार तीर्थ स्थल अत्यंत प्रसिद्ध हुए जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी बन जहां पे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया जहां पे महात्मा बुद्ध का स्वर्गावास हुआ था या महा पर निर्माण हुआ था उसका क्या नाम था उसका उसका नाम था कुशीनगर चार तीर्थस्थल हैं और चारों भारत में है कोई चीन में नहीं है तो चाहे चीन का हो चाहे श्रीलंका का हो चाहे म्यांमार का हो चाहे कोरिया का हो सभी लोगों को भारत आना पड़ेगा और इन तीर्थस्थलों को देखना पड़ेगा और देखने के बाद में जो बुद्धिज्म से संबंधित साहित्य है उसका अध्ययन करना पड़ेगा तो यह हुए यही करने आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा भी प्राप्त की थी इसने भारत का व्यापक भ्रमण किया था और यही हर्षवर्धन के चूंकि दरबार में आया था ये हो सौ उन्तीस ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था तो आप लोग जो प्रयाग बता रहे हैं ना वो प्रयाग राज में हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था जब से हर्षवर्धन ने प्रयागराज में गंगा नदी और जमुना नदी और सरस्वती नदी के संगम पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया तब से हमारे सनातन धर्म में यह स्वीकार किया जाने लगा कि अगर व्यक्ति के अस्थि अवशेषों का गंगा या संगम पर विसर्जन किया जाता है तो उसे मोक्ष मिलता है ये तब से अत्यंत प्रसिद्ध हो गया और आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि व्यक्ति पहले ही अपनी मृत्यु से पूर्व ही बता देता है कि भाई हरिद्वार में हमारी अस्थि अवशेषों का प्रवाहन कर दीजिएगा आप हमारे पुत्र के रूप में है या पुत्री के रूप में है या संगम के तट पर प्रवाहित कर दीजिएगा और वहां पे व्यक्ति को क्या मिलता है मोक्ष मिलता है क्या मिलता है मोक्ष मिलता है व्यक्ति को ठीक तो ये चार बौद्ध संगीतियां रही ये चार बौद्ध संगीतियां आपके सामने रही और बुद्धिज्म का अभी इतिहास आप लोगों के बीच में बचा रहेगा एक क्लास पूरी कम से कम अभी दो ढाई घंटे की रहेगी उसमें बुद्धिज्म से संबंधित जो शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के जो शिष्याएँ हैं दस दस शिष्या शिष्याओं को और शिष्यों को हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विभाजन को पढ़ेंगे हीनयान महायान कालचक्रयान वज्रयान बौद्ध धर्म के जो अन्य प्रसिद्ध स्थान है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम दो घंटे और व्यापक रूप से अभी चाहिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूं लेकिन अभी अन एकेडमी के ऐप पर फ्री लाइव क्लास होगी अभी आठ बजे तो आठ पीएम ये क्लास होगी और आप सभी लोग आ जाइएगा अपने ग्रुप में मैं इस टेलीग्राम चैनल को शेयर कर टेलीग्राम चैनल में लिंक को शेयर कर दूंगा अभी आठ बजे क्लास होगी और इसमें एमसीक्यू के रूप में हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारत में हम लोग कंपनी का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी लोग आया कीजिए आप लोग क्योंकि तो बाद में आप कहते हैं कि पता नहीं चलता आपके समय का तो इसीलिए मैं समय आपको बता रहा हूं आठ बजे से हमेशा ये क्लास होती है केवल कल नहीं होगी बस यही हमारा टेलीग्राम चैनल है दर्पण आई भाई संजीव पांडे के नाम से ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग यहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा हमारे द्वारा अन्य जानकारियां भी मिलेगी जो परीक्षा से संबंधित हैं और यहीं पे सभी वीडियो का लिंक हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है पांच मिनट पहले तो मैं लिंक प्रोवाइड कर ही देता हूं पांच मिनट पहले ही लिंक सेंड करता हूं क्लास शुरू होने के पांच मिनट पहले अन में कहीं भी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो ये हमारा रेफरल कोड है इसका आप लोग यूज कीजिए अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास के बीच में हमने नंबर दिया था देन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग हमसे यहाँ पे आपको 10 प्रतिशत यहाँ पे आपको फीस में क्या मिलेगी आपको छूट मिलेगी लाइक भी करते जाइए शेयर भी कर सकते हैं और अन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सभी लोग अगर कुछ पूछना हो तो सेंड कीजिए आप सभी लोग हाँ लाइव ही आएंगे लाइव ही आएंगे कुछ और पूछना हो तो सेंड कीजिए नहीं क्या किया था कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया था और फिर ब्राह्मणों का देश निकाला करवा दिया था हर्षवर्धन ने ऐसा मिलता है उल्लेख ठीक तो क्या नाम है सत्यजीत राय गलत मत समझिएगा ठीक जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा हाँ इसके आगे परसों इसके आगे परसों चार बजे कल तो फेस्टिवल ही है यूट्यूब का उसमें बहुत बहुत उपयोगी टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे कल और परसों आगे से ये क्लास होगी निरंतर परसों चार बजे से ही होगी और कुछ और कुछ हाँ आप हमारे नंबर पे विजय संपर्क कीजिए लोन का मैं लिंक भेज दूंगा उस लिंक में कुछ फॉर्मल जानकारी आपको देनी पड़ेगी कुछ कागज आपको अपलोड करने पड़ेंगे बस दो दिन में आपका लिंक अप्रूव हो जाएगा वो लोन अप्रूव हो जाएगा और कुछ और कुछ पूछते रहिए अगर कुछ पूछना है तो सारी समस्या का समाधान होगा यहाँ पे और कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं जो भी आपकी समझ में ना आया हो और कहीं भी समझ में ना आया हो उस टॉपिक का नाम बताइए उस टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा और जम के पढ़ाऊंगा ईमानदारी से आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिए अनएकेडमी में मूड है अभी पढ़ाने का काफी दिनों तक काफी दिनों तक पढ़ाने का मूड है तो आप लोग बता दीजिएगा अपने टॉपिक को उसको भी पढ़ाया जाएगा निश्चिंत रहिएगा और कुछ अच्छा चोल वंश हाँ चोल वंश की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है पढ़ाया जाएगा चोल बंश हाँ निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा क्या नचा दूंगा आप लोगों को चोल वंश में आप लोग नाचने लगेंगे चोल वंश का इतिहास पढ़ के किस तरीके से पढ़ाऊंगा डांस करने लगेंगे मतलब डांस करने का मतलब सब आपको याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा ये प्रॉमिस है और कुछ ठीक है पंडित जी शर्मा जी और बताइए हाँ जीएस वोड में पढ़ाते थे पढ़ाते भी हैं बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं जीएस एस में तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और कुछ रायबरेली से नहीं है रायबरेली के पड़ोस में एक जिला है अमेठी वहीं से हैं ठीक डांस तो खूब करवाया जाता है अकेडमी में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में आएंगे तो आप कह रहे हैं डांस नहीं करेंगे वहां जाएंगे तो देखेंगे खूब डांस करेंगे जम के डांस करेंगे वहां पर डांस सिखाया भी जाता है वहां पर कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं जिन लोग जो लोग चल भी नहीं पाते ठीक से वो भी हमने देखा है क्या गजब डांस करते हैं भाई लड़कियों की तो बात छोड़िए स्टूडेंट लड़के बॉयस मसूरी अकेडमी में आई आर एस अकेडमी में हैदराबाद अकेडमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में सोच लीजिए और कुछ अरे हमारा वाला अमेठी भाई अमेठी तो अपना जिला है ना क्यों राहुल गांधी का तो है ही चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है आप लोगों का प्यार आप लोगों का स्नेह ऐसे कायम रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ठीक है आदित्य चोल चेर पांडे पल्लव ये सब पढ़ाया जाएगा निश्चिंत रहिए ठीक चलिए धन्यवाद